F9 के पेपर में नॉर्मली सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि F9 के पेपर में हमारे एरियाज क्या हैं, F9 के पेपर में स्टूडेंट को पास होने में क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है और क्यों स्टूडेंट जो हैं वो 50 मार्क्स नहीं ले पाते, और अगर पास भी होते हैं तो क्यों स्टूडेंट जो हैं वो बॉर्डर पर पास होते हैं। फिर हम अपना एजेंडा डिस्कस करेंगे कि अगले 5 दिनों में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं और कैसे इसको कवर करेंगे। सबसे पहले जो पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस पेपर में हमारे पास सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की अगर बात करते हैं तो हमारे पास सेक्शन ए है विच इज़ 15 MCQs और OTQs वर्थ 30 मार्क्स। फिर हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो हमारे पास सेक्शन बी में 3 सवाल आते हैं MTQs के वर्थ 10 ईच, तो इसकी वेटेज भी बनती है 30 मार्क्स। तो हमारे पास ये 60 मार्क्स ऐसे हैं जिनकी हमें वर्किंग शो करने की ज़रूरत नहीं है, या तो हमें मार्क्स मिलेंगे या हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमें वर्किंग के कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, या तो आंसर ठीक होगा या आंसर गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल 30 MCQs या OTQs होते हैं जिससे हमें 60 मार्क्स लेने हैं। और उसके बाद थोड़ा सा राइटिंग का काम आता है सेक्शन सी में विच इज़ कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन CRQ, जिसमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स। इसका मतलब वो है कि 40 मार्क्स हमारे ऐसे हैं जो डिपेंड करते हैं इस बात के ऊपर कि हमने अपनी प्रेजेंटेशन कैसे रखी है, हमने एक्सेल को कैसे इस्तेमाल किया है और वर्किंग कैसी है। तो ये ओवरऑल हमारा 3 आवर्स के अंदर ये 3 सेक्शन हमें कंप्लीट करना। अच्छा, अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं तो सेक्शन ए के साथ प्रॉब्लम ये है कि सेक्शन ए एग्जामिनर बनाता है इंटायर सिलेबस से, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, वेदर इट्स थ्योरी कैलकुलेशन वट एवर जो भी है। और अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो सेक्शन बी में नॉर्मली हमारे पास चांसेस ये होते हैं कि एक हमारे पास रिस्क का सवाल आ जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट, एक हमारे पास बिज़नेस वैल्यूएशन का सवाल आ सकता है, एक हमारे पास जो है वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का सवाल आ सकता है, या अगर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यहाँ नहीं आया तो वो वर्किंग कैपिटल का सवाल भी हो सकता है। और जब हम सेक्शन सी की बात करते हैं, स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सेक्शन सी में क्या आएगा, तो सेक्शन सी में 3 में से 2 टॉपिक्स आने के चांसेस होते हैं। सेक्शन सी में जो सबसे ज़्यादा लाइकलीहुड है जिस टॉपिक के आने की, यानी कि आप समझ लें लाजमी आता है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, लॉन्ग टर्म डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का 20 नंबर का सवाल हर अटेम्प्ट में आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है उसमें ज़्यादातर लाइकलीहुड है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। या फिर ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि एग्जामिनर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिलाकर एक 20 मार्क्स का सवाल यहाँ पर पूछ ले और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को MCQs में और सेक्शन बी के अंदर एग्जामिन किया जाए। तो स्टूडेंट को मैं ये एडवाइस करता हूँ कि देखें जी, अगर आपको F9 का पेपर पास करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अप्रेजल के टॉपिक्स में कैलकुलेशन प्लस थ्योरी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, ताकि आप ये 20 मार्क्स तो एटलीस्ट अच्छे तरीके से सिक्योर करें, लाइक 15-16 मार्क्स आपके इस सवाल के अंदर आ जाए तो आप पेपर पास करने में आपको हेल्प मिलेगी। अब चलते हैं ज़रा सिलेबस ओवरव्यू की तरफ कि हमारा सिलेबस में कौन सी चीज़ कितनी लेवल की पूछी जाती है, ताकि हमें जो रिमेनिंग टाइम है उसमें
उतना ही टाइम हम उन टॉपिक्स को दें जो अल्टीमेटली हमारे लिए रेलेवेंट टॉपिक्स हैं। देखें, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि हमारा एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक है जिसकी वेटेज सेक्शन सी में 20 नंबर का सवाल और कुछ उसके एमसीक्यूज वगैरह हमारे पास आते हैं। उसके बाद हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कई इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर एग्जामिनर मल्टीपल इश्यूज़ के ऊपर सवाल बना सकता है। इसके बाद हमारे पास रेलेवेंट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का, जिसके अंदर इक्विटी फाइनेंसिंग है, जिसके अंदर डेट फाइनेंसिंग है, गियरिंग है, डिविडेंड पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं। और उसके साथ एक एसोसिएटेड टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना सीखते हैं कि WACC किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। और दो हमारे पास छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन लेवल के टॉपिक है F9 में, वन इज बिजनेस वैल्यूएशन एंड अदर इज रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें कम से कम एग्जामिनर जो है 10-10 नंबर के सवाल हर अटेम्प्ट में यूजुअली बनाने की कोशिश करते हैं। तो बिजनेस वैल्यूएशन और रिस्क मैनेजमेंट से 20-20 नंबर के सवाल बनना पॉसिबल नहीं है, वो किसी भी CRQ में एज अ पार्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं, लेकिन पूरा सवाल बिजनेस वैल्यूएशन पे आएगा, पूरा सवाल रिस्क मैनेजमेंट पे आएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक, तो पूरा सवाल एक CRQ का ये तो गारंटीड सवाल है, अब तक पास पेपर में भी ऐसा ही हुआ है और जो CB एग्जाम्स हो रहे हैं उसके अंदर भी स्टूडेंट ये बताते हैं कि सबके पास अप्रेजल तो लाजमी आता है। अभी जिसने पिछली मरतबा एग्ज़ाम दिया था तो उसके पास वर्किंग कैपिटल जो आया था, तो कुछ के पास वर्किंग कैपिटल सेक्शन बी में आया था और उसमें एग्जामिनर ने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टाइप का सवाल क्रिएट किया था, और कुछ के पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला पोर्शन, ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाला जो पोर्शन है इसको मिलाकर एग्जामिनर ने 20 नंबर का सवाल क्रिएट किया। तो अल्टीमेटली एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम पूरे सिलेबस के ऊपर फोकस रखें। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है, वाई स्टूडेंट नॉट एबल टू गेट 50 मार्क्स। स्टूडेंट पास क्यों नहीं होते? तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है स्टूडेंट के पास ना होने का, और वो है इस पेपर में थ्योरी लैकिंग। थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग हमारे स्टूडेंट्स की बहुत बुरी होती है। उसकी एक वजह ये है कि ना तो वो बुक पढ़ते हैं, और ना वो पास पेपर की थ्योरी लिखते हैं, ना वो टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ते हैं। तो थ्योरी कवर करने के लिए आपके पास आइडियली ACCA का एक रिसोर्स है विच इज़ एग्जामिनर्स टेक्निकल आर्टिकल्स। अगर आप वो टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़े हैं तो वहाँ से आपकी थ्योरी काफ़ी अच्छी हो सकती है। ये सारे टेक्निकल आर्टिकल्स आपको फोल्डर में अपलोड इंशाल्लाह आज से मिलना शुरू हो जाएंगे, तो आप चाहें तो कम टाइम में किताब पढ़ने के बजाय रेलेवेंट टेक्निकल आर्टिकल उस टॉपिक का पढ़ लें। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का एक टेक्निकल आर्टिकल पढ़ा हुआ है, आप जाकर उसको वहाँ से रीड करें, जल्दी जल्दी ओवरव्यू करें, उसकी थ्योरी वहाँ से अंडरस्टैंड करें, उसकी अजम्पशंस पढ़ें, उसकी लिमिटेशंस पढ़ें, उसे याद कर लें, ताकि एग्जाम में जब उसकी थ्योरी अजम्पशंस वगैरह पूछी जाएँ तो आपको एटलीस्ट उसमें से कुछ मार्क्स एग्जामिनर वहाँ से दे दे। अच्छा, पेपर का जो कॉम्पोजिशन होता है वो बना हुआ ही इस तरीके से है कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी थ्योरी अच्छी नहीं करके जाता तो कैलकुलेशन एंड थ्योरी का जो मिक्स है वो लाइकली उसकी लाइकलीहुड है, क्योंकि लाइकलीहुड ही बता सकते हैं, ये कोई ACCA वालों ने नहीं बताया, उसकी लाइकलीहुड है, ये उसकी लाइकलीहुड है थ्योरी प्लस कैलकुलेशन की। अब कभी ये 50-50 भी हो सकती है, कभी कैलकुलेशन का वेटेज बढ़ भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर थ्योरेटिकल पेपर ये ज़्यादा है। तो जो स्टूडेंट इसके ऊपर फोकस करके नहीं जा रहे वो अल्टीमेटली सिर्फ कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर पेपर निकालना उनका मुश्किल हो जाता है। लाइक CRQ 20 नंबर का आएगा तो 10 नंबर की थ्योरी, 10 नंबर की कैलकुलेशन, तो 20 मार्क्स की थ्योरी तो CRQ में वहाँ से वो कवर कर लेगा। फिर सेक्शन बी में वो कुछ दो MCQs भी अगर बना लेता है 4-4 मार्क्स के, तो 32 नंबर की थ्योरी ये हो गई। फिर MCQs में भी 5-6 सवाल दे दिए उसने, तो एग्जामिनर 50% तक तो गारंटीड थ्योरी टेस्ट करने के मूड में होता है। बट ये वेटेज जो है ना रिवर्स भी हो सकती है। अब वो आपकी किस्मत है कि कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाती है तो स्टूडेंट ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, और थ्योरी ज़्यादा आ जाती है तो स्टूडेंट थोड़ा सा डिसकंफर्टेबल हो जाता है और उसका पेपर पास होना मुश्किल हो जाता है। तो हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे, कैलकुलेशन पे भी बात करेंगे। तो एक चीज़ है जो
मैं आपको एडवाइस करता हूँ, अगर आप वो एडवाइस फॉलो कर लें तो आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है। मैंने एक थ्योरी का, पास्ट पेपर का एक वर्जन जो है समराइज़ किया है। अब तक पास्ट पेपर्स में जितनी भी थ्योरी आई है, जितने भी थ्योरेटिकल सवाल हैं, यू कैन सी इट हेयर। ये देखें जी, ये एक वर्जन मैंने यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है। अब तक पास्ट पेपर में जितनी भी थ्योरी आई है इन टॉपिक्स की, उसको मैंने एक हेडिंग में क्लासिफाई किया हुआ है। अब आप यू कैन सी दैट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में एग्जामिनर ने क्या क्या पूछा, ये सब यहाँ लिस्ट डाउन हुआ हुआ है। आप अपनी थ्योरी को टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि मुझे थ्योरी मुझे आती है, कैन आई राइट समथिंग। इसी तरह सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या क्या पूछा, ये सब लिखा हुआ है, ये सब पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एग्जामिनर ने कौन सी थ्योरी में क्या पूछा, वर्किंग कैपिटल में एग्जामिनर अब तक क्या पूछ चुका है। तो इतनी चीज़ें एग्जामिनर ने पूछी हुई है कि अब एग्जामिनर रिपीट करता है थ्योरी को। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ये आ गया, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आ गया, तो पीछे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस था, बिजनेस वैल्यूएशन था। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आ गया, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आ गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, वर्किंग कैपिटल आ गया, रिस्क मैनेजमेंट आ गया एंड बिजनेस वैल्यूएशन। हर टॉपिक से एग्जामिनर ने, यू कैन सी, 8 नंबर की थ्योरी, 6 नंबर की थ्योरी, 5 नंबर की थ्योरी, सो एंड सो। अब लोग नॉर्मली रिस्क मैनेजमेंट में छोटी मोटी कैलकुलेशन पढ़ के चले जाते हैं। यू कैन सी, चेक आउट दिस क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्कस 3 इंटरनल मैथड्स विच कुड बी यूज बाय द कंपनी टू मैनेज फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटीज़। तो आप 6 नंबर, दो दो नंबर की 3 इंटरनल मैथड, आप मैचिंग लिख दें, आप नेटिंग लिख दें, आप इसकी जगह जो है वो लेगिंग लिख दें, लीडिंग लिख दें, तो आपको दो दो लाइन में एक्सप्लेन करना है और आपको ये 6 मार्क्स मिल सकते हैं। इसी तरीके से एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन करेंसी रिस्क फेस बाय मल्टीनेशनल कंपनी। देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क जो कि स्टडी टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, ट्रांजेक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क और इकोनॉमिक रिस्क। दो दो नंबर के लिए आप एक्सप्लेन कर दें तो आपको ये मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर आप फोकस रखें और इसको तैयारी करने के लिए बेंच मार्क बनाएं इस डॉक्यूमेंट को, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। चलें जी, मूविंग ऑन टू दैट। तो अब हमारा आज के दिन का जो एजेंडा है उसमें हमें डिस्कस करना है रिस्क मैनेजमेंट से हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट को टफ टाइम देता है कुछ एरियाज के अंदर। ये आना ही आना है सिलेबस के अंदर, कुछ ना कुछ इसमें से एग्जामिनर लाजमी पूछता है। लेकिन जो इसकी जो मेजर कैलकुलेटिव पार्ट है जिसमें स्टूडेंट को यूजुअली मसाइल होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। दो एरियाज़ हैं हमारे सिलेबस में रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। एक है करेंसी रिस्क को मैनेज करना और दूसरा है हाउ टू मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट में तो कैलकुलेशन ना होने के बराबर है, और करेंसी रिस्क में 2-3 मेजर कैलकुलेशन है जिस पर अक्सर सवाल आता है यूजुअली। और उस करेंसी रिस्क के अंदर जो लाइकलीहुड ऑफ जिस सवाल की होती है, वो होती है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट दिस, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज डिफिकल्ट, दैट इज मनी मार्केट हेज, और परचेजिंग पावर पैरिटी से फोरकास्टिंग करना, परचेजिंग पावर पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी से फोरकास्ट करना, ये भी अक्सर जो है कभी कभार छोटी मोटी कैलकुलेशन का पार्ट बन जाता है। तो हमारा फोकस ये होगा कि एग्ज़ाम में हमें अगर फॉरवर्ड एक्सचेंज की और मनी मार्केट की कैलकुलेशन दी जाए, 5 नंबर की, 6 नंबर की, 7-8 नंबर की MCQs में आए, तो वो एटलीस्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए ताकि हम ईजीली जो मार्क्स हैं वो सिक्योर कर सकें, उसको ज़ाया ना कर सकें। सो लेट्स बिगिन विथ करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क क्या होता है, करेंसी रिस्क में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो मैं पहले एक आइडिया दूंगा और उसके बाद फिर हम डायरेक्टली जंप करेंगे पास पेपर के। जब हम करेंसी रिस्क की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ब्रॉडली स्पीकिंग देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क। एक को हम क्लासिफाई कर देते हैं कि एक वो रिस्क होता है जो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स में एंटर होने की वजह से क्रिएट होता है। यानी कि एक शख्स अगर कोई फॉरेन करेंसी बाय या सेल करने का उसका मूड है कभी भी फ्यूचर में, तो अल्टीमेटली उसको ये पता है कि जो एक्सचेंज रेट होते हैं वो कॉन्स्टेंट नहीं रहते, एक्सचेंज रेट कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। कि कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में डॉलर बहुत ऊपर जा रहा था, अब सडनली डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, कुछ टाइम के बाद दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, तो इट्स कीप मूविंग ना। तो अब एक कंपनी है, एक बिजनेस है, अगर उसको ट्रांजेक्शन करनी है डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरोज में, तो उसके लिए रिस्क क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजेक्शन रिस्क। सिमिलरली जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमें हर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को लोकल करेंसी में रिकॉर्ड करना होता है। तो लोकल करेंसी में जब उसको रिकॉर्ड करेंगे तो एक्सचेंज रेट इज कंटिन्यूसली मूविंग, बिगनिंग ऑफ द ईयर कुछ और था, एंड ऑफ द ईयर कुछ और हो गया। अगर हम ट्रांसलेट करेंगे उसको एक्सचेंज रेट के हिसाब से तो इट विल रिजल्ट इन सम गेन और लॉसेस, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, हमारी रेशियोज को हिट करेगा। और एक रिस्क होता है विच इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क एक्सचेंज रेट की वजह से क्रिएट होता है, जो हिट करता है हमारी कॉम्पिटिटिवनेस को। कॉम्पिटिटिवनेस कहते हैं आपकी कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करने की एबिलिटी को। तो एक्सचेंज रेट वेरी होने से बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आपको फ़ायदा हो जाता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटर को फ़ायदा हो जाता है। तो आपकी मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस कम होना शुरू हो जाती है या बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जो एक्सचेंज रेट मैंने यहाँ लिखा है ट्रांजेक्शन रिस्क, ये आता है ड्यू टू, ये किसके लिए हो सकता है? ये इम्पोर्टर के लिए हो सकता है और एक्सपोर्टर के लिए हो सकता है। इम्पोर्टर को पेमेंट करनी होती है तो ये पेमेंट से रिलेटेड रिस्क हुआ, और एक्सपोर्टर को रिसीट आनी होती है तो ये रिसीट से रिलेटेड रिस्क हुआ। क्या रिस्क हो सकता है? ट्रांसलेशन रिस्क अल्टीमेटली हिट करता है एक्सचेंज गेन और लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस। करेंसी के चेंज होने की वजह से जो एक्सचेंज गेन और लॉस होता है वो जाता है अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या समटाइम्स किसी और जगह जाता है, तो वो हिट कर सकता है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अब जो भी करेंसी रिस्क है उसको ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि यार ये रिस्क मटीरियलाइज अगर हो गया तो हमारे तो प्रॉफिट्स पे फ़र्क पड़ेगा, हमारे कैश फ्लोज पे फ़र्क पड़ेगा, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम अपनी करेंसी रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करें। तो वो मिटिगेशन का टूल इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और रिस्क मिटिगेशन के लिए वो हेजिंग करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सिलेबस में हेजिंग के कुछ तरीके हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे कि हेजिंग कैसे की जाती है। तो हेजिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? हेजिंग का ऑब्जेक्टिव होता है रिस्क को रिड्यूस करना। हेजिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ रिस्क को रिड्यूस करना होता है। हेजिंग जो है वो प्रॉफिट करने के लिए नहीं होती। प्रॉफिट करने के लिए अगर आपको कोई काम करना है तो वो कहलाती है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, और हेजिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू मिनिमाइज रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, एक इम्पोर्टर बैठा हुआ है पाकिस्तान में, और उस इम्पोर्टर को USD पे करना है, 100,000 USD पे करना है इन 2 months टाइम। किसी ने इम्पोर्टर को ये बताया कि USD एप्रिशिएट होने वाला है, पाकिस्तानी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी और USD अप्रिशिएट हो जाएगा। तो वो इम्पोर्टर ये कहता है कि अगर वाकई ऐसा हो गया तो अल्टीमेटली मुझे ज़्यादा रुपीज़ पे करने पड़ेंगे $1,00,000 बाय करने के लिए। तो इम्पोर्टर का दिमाग चलना शुरू होता है, और इम्पोर्टर कहता है कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि अगर USD बढ़ भी जाए तो मैं अल्टीमेटली वही रेट पे करूँ जो आज चल रहा। तो USD इम्पोर्टर क्या करता है? इम्पोर्टर हमसे पूछेगा कि ये बताएं मेरे लिए हेजिंग के कोई तरीके आपके पास मौजूद हैं? तो हम इम्पोर्टर को गाइड करेंगे, जी हाँ यस हम आपको हेजिंग के कुछ तरीके बताते हैं। इसी तरीके से एक एक्सपोर्टर है पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और उसको USD 100,000 किसी कस्टमर से इन 1 month टाइम मिलने वाला है। उसको किसी ने ये बता दिया कि जी USD जो है वो तो डेप्रिशिएट होने वाला है कुछ अरसे के अंदर, वो तो 120 पे चला जाएगा। वो सोच रहा है कि अगर ये 120 पे चला गया, 140 पे चला गया, करंटली 150 प्लस पे चल रहा है, तो अल्टीमेटली मुझे जो अमाउंट मिलने वाला है लोकल करेंसी में वो तो कम हो जाएगा। तो एक्सपोर्टर को टेंशन हो गई कि कुछ ऐसा करो कि ये रेट फिक्स हो जाए और मुझे आज के रेट के हिसाब से जो भी डॉलर्स हैं वो कन्वर्ट होके मिल गए। तो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर इज बोथ आस्किंग अबाउट यार हेजिंग के तरीके बताओ। हमने कहा ठीक है, हम आपको हेजिंग के तरीके बताते हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेजिंग। हेजिंग करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इंटरनल मेथड से हेजिंग करें, हेजिंग का मतलब रिस्क रिडक्शन। तो आप रिस्क रिडक्शन इंटरनल तरीके से भी कर सकते हैं, या आप एक्सटर्नल मेथड्स इम्प्लॉय करें। एक्सटर्नल मेथड्स का मतलब होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी से जाकर कॉन्ट्रैक्ट कर लें, जैसे अक्सर हम इंश्योरेंस परचेज करते हैं गाड़ी के अगेंस्ट,
वो एक थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हमें बचाती है इन केस हमारी गाड़ी डैमेज हो गई, तो गाड़ी डैमेज हो गई तो थर्ड पार्टी पे करे, सो वी आर सेफ। अब आप रेकलेसली चलाएं उल्टी सीधी गाड़ी चलाएं, आप अभी टेंशन फ्री कि अगर मेरी गाड़ी हिट हो गई, पूरी भी डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, चोरी हो गई, तो अल्टीमेटली मेरा जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है वो मुझे बचा लेगा। इसी तरह करेंसी की एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट भी हम हेजिंग करके ये एंटिसिपेट करते हैं कि थर्ड पार्टी मुझे बचा लेगी और मुझे एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन का जो इम्पैक्ट है वो नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इंटरनल मेथड में आपको सेपरेटली किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं बनती, आप खुद ब खुद हेजिंग करेंगे, कुछ ऐसा तरीका सोचेंगे जिससे ऑटोमेटिक हेजिंग हो जाए, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो ऑटोमेटिक हेजिंग नहीं होगी। हमारे पास इंटरनल मेथड्स में कुछ मेथड्स हैं जिसमें से एक होता है करेंसी ऑफ इनवॉइस, ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने पास पेपर में दिखाया तो उसने तीन इंटरनल मेथड पूछे, लीड पेमेंट आपको इसकी डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए लीड पेमेंट क्या होती है, लैगिंग आपको लैगिंग के बारे में पता होना चाहिए, मैचिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसी तरह आपको नेटिंग के बारे में पता होना चाहिए। किताब में पूलिंग भी लिखा हुआ होता है, लेकिन पूलिंग टेक्निकली एक बैंकिंग का सिस्टम है, वो हम नहीं डिस्कस कर रहे। लेकिन कैलकुलेशन जो हमारे सिलेबस में आती है उसमें एक्सटर्नल मेथड नंबर वन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, मेथड नंबर टू मनी मार्केट हेजिंग, एग्जामिनर का दी फेवरेट एरिया है ये, जिसके ऊपर एग्जामिनर हर अटेम्प्ट के अंदर एक जैसी कैलकुलेशन पूछता है। तो इन दोनों पे आप माइंड में रखेंगे एक अदद कैलकुलेशन वाला सवाल एग्जाम में आएगा। उसके अलावा थ्योरेटिकली हमारे पास कुछ और डेरिवेटिव्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इसकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, और इसी तरीके से हमारे पास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद है, स्वैप्स भी यूज़ किए जाते हैं, बट स्वैप्स आप जनरली इग्नोर कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, करेंसी में स्वैप की इतनी इंपॉर्टेंस हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। लेकिन ये जो दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके बारे में एग्जाम में सिर्फ थ्योरी पूछी जाएगी, कोई कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करवाई जाती, आइडिया होना चाहिए आपको कि क्या हो सकती है। अब बिफोर मूविंग टू फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट और मनी मार्केट की कैलकुलेशन, जो कि हमारा एजेंडा है, हम थोड़ी सी एक्सचेंज रेट की क्लेरिफिकेशन ले लेते हैं कि एक्सचेंज रेट कौन सा इस्तेमाल करना होता है, कितने टाइप का होता है, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये जहाँ पर स्टूडेंट फंसते हैं। देखिए, एक्सचेंज रेट जो भी दिए हुए होते हैं दो करेंसीज दो कंट्रीज़ के दरमियान, एक्सचेंज रेट जो भी दिए हुए होते हैं वो दो तरीके से कोट किए जाते हैं। एक कहलाता है इनडायरेक्ट कोट, हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट कोट ही आता है यूजुअली, डायरेक्ट कोट नहीं आता, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये मेंशन नहीं है कि डायरेक्ट कोट नहीं आएगा, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कोट क्या होता है और इनडायरेक्ट कोट क्या होता है। हम यूके के हिसाब से पढ़ रहे हैं और यूके में इनडायरेक्ट कोट चलता है जहाँ पर 1 GBP is equal to USD 1.4825, इस तरह से लिखा हुआ होगा। यूके के अंदर जब भी एक्सचेंज रेट कोट किए जाएंगे तो वहाँ पर 1 unit ऑफ करेंसी उसकी लोकल करेंसी में लिखा जाएगा। अगर आप ये पूछने जाएं यूके के अंदर कि जी सऊदी दिरहम सऊदी रियाल कितने का चल रहा है, यूके का एक बंदा, या पूछें कि जी डॉलर कितने का चल रहा है, या पाउंड कितने का चल रहा है, या पाकिस्तानी रुपीज़ कितने के मिलेंगे, तो वो कहेगा 1 GBP इज इक्वल टू हाउ मेनी फॉरेन करेंसी यूनिट। सो लोकल करेंसी जो है 1 unit में दी जाती है, इसको कहते हैं बेस करेंसी। तो इनडायरेक्ट कोट की निशानी क्या है, आपकी जो बेस करेंसी होगी वो हमेशा 1 unit में दी जाएगी और आपकी जो फॉरेन करेंसी होगी जिसको कहा जाता है रेफरेंस करेंसी, उसका रेट आपको दिया जाएगा। एज ए रिजल्ट जब भी मुझे फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना होगा तो मैं फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में लाने के लिए हमेशा कौन सा रूल लगाऊंगा, हमेशा डिवाइड का रूल लगाऊंगा। ये ध्यान में रखें कि अगर आपको इनडायरेक्ट कोट में फॉरेन करेंसी से लोकल करेंसी में आना होता है तो आपको फॉरेन करेंसी लेनी होती है, उसको डिवाइड करना होता है तो आपके हाथ में लोकल करेंसी आ जाती है। डायरेक्ट कोट जो होता है वो इसका ऑपोजिट होता है। डायरेक्ट कोट के अंदर
अगर कोई कंट्री डायरेक्ट कोट इस्तेमाल करती है, जैसे पाकिस्तान में डायरेक्ट कोट होता है, तो ऐसे लिखा जाता है 1 USD इज इक्वल टू PKR 158, यानी कि आपका जो फॉरेन करेंसी होती है उसका 1 यूनिट लिखा जाता है। तो आपकी जो बेस करेंसी होती है वो कौन सी होती है? वो फॉरेन करेंसी होती है। और आपकी जो लोकल करेंसी होती है उसका रेट दिया जाता है, और लोकल करेंसी आपकी बन जाती है रेफरेंस करेंसी। ये एक बेसिक आइडिया है एक्सचेंज रेट के बारे में। तो हमें हमें हमारा फोकस इनडायरेक्ट कोट के ऊपर है, तो हमें जब भी डेटा में दिया जाएगा तो हम पहले चेक कर लेंगे हमारी लोकल कंट्री कौन सी है, क्या वन यूनिट है वो लोकल करेंसी में दिया हुआ है। पहले आप इसको मेक श्योर कर लें एग्ज़ाम में, एक दो मरतबा सोच लें अच्छी तरह से, उसके बाद आपको जो रूल्स बताए जाएँ वो रूल्स आप फॉलो करें। अच्छा जी, एक्सचेंज रेट जो कोट किए जाते हैं इनडायरेक्ट को लेके चलते हैं, अब हम डायरेक्ट की बात नहीं कर रहे, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन इनडायरेक्ट ओनली। वो दो तरह के होते हैं, या तो आपको कोट किया जाएगा कि स्पॉट रेट ये है, और या तो आपको फॉरवर्ड रेट कोट किया जाएगा। अगर आपको करेंसी चाहिए इमीडिएटली तो आप स्पॉट रेट इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको बाइंग एंड सेलिंग करनी है फ्यूचर में तो आप फॉरवर्ड रेट इस्तेमाल करेंगे। जो भी रेट दिया जाएगा एग्जाम में वो दो रेट्स दिए जाते हैं, जैसे स्पॉट अगर हम बात करें तो 1 GBP इज इक्वल टू USD 1.4050 एंड 1.4150, ये रेट आपको दे दिए। अब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये रेट डिसाइड करने में कि आप जब बैंक से ख़रीदने जाएंगे तो बैंक का सेलिंग और बैंक का बाइंग रेट क्या होगा, बैंक किस रेट पे सेल करेगा, बैंक किस रेट के ऊपर आपसे करेंसी बाय कर रहा होगा। याद रहे, एक पर्सपेक्टिव से सोचना है, बैंक के पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। तो अब ये दो रेट दिए हैं, देखने में तो ऐसा लगता है कि जो हायर रेट होगा वो बैंक का सेलिंग रेट होगा और जो लोअर रेट होगा वो बैंक का बाइंग रेट होगा, लेकिन इसको याद करना है कि इनडायरेक्ट कोट में बैंक हमेशा क्या करता है, बैंक सेल लो एंड बाय हाई। इसे याद कर लें, अच्छी तरीके से रट्टा मार लें इसका, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्ट कोट में अगर रेट दिया हुआ होगा तो ये रूल चलेगा, और इस रूल के हिसाब से बैंक का जो हायर रेट है वो बैंक का ख़रीदने वाला रेट है, इसको कहेंगे बिड, और बैंक का जो लोअर रेट होगा उसको कहेंगे ऑफर या सेलिंग रेट। उल्टा होता है क्योंकि इनडायरेक्ट कोट उल्टा चलता है, इनडायरेक्ट कोट में रेट उल्टे चलते हैं, और यही सबसे अच्छी चीज़ है बैंक के लिए कि बैंक बिड करेगा 1.4150 में तो बैंक को फ़ायदा है, और बैंक ऑफर करेगा 1.4050 में तो बैंक को फ़ायदा है। तो ये याद कर लें, बैंक सेल लो एंड बाय हाई। बट रिमेंबर, ये इनडायरेक्ट कोट की टेक्निक है, ये डायरेक्ट पर अप्लाई नहीं हो सकती, और सिर्फ इनडायरेक्ट के ऊपर हमें अप्लाई करनी होती। अब इसके बाद हमें सिर्फ ये पिक करना होता है कि रेट में से हमें कौन सा रेट बिड का लेना है, ऑफर का लेना है, तो वो हम मनी मार्केट हेजिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम फॉरवर्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी उसमें इस्तेमाल करें। एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहली टेक्निक हमारे पास है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। पहले मैं दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद फिर हम इसके पास पेपर्स देखेंगे अकॉर्डिंगली। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओवर द काउंटर होता है, टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको क्या कुछ भी कहते हैं। कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आपको जो भी करेंसी चाहिए, चाहिए एनी करेंसी, किसी भी करेंसी में कर लें, किसी भी क्वांटिटी में कर लें, जितनी क्वांटिटी चाहिए उसमें कर लें, किसी भी बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट, एनी ड्यूरेशन, कोई भी अपनी मर्जी की ड्यूरेशन में कॉन्ट्रैक्ट कर लें। तो इसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी भी क्वांटिटी, किसी भी करेंसी, किसी भी टाइम के ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडेबल नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन ट्रेडेबल होता है।
तो इसमें निगोशिएबिलिटी नहीं होती, आप किसी और के साथ इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। आपने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है 1-to-1 उसके साथ आप ये कर सकते हैं, इट्स वेरी रिस्की क्योंकि इसमें पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है, डिफॉल्ट रिस्क इज हाई। दूसरा एक प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि करेंसी रेट अप्रिशिएट होने वाले हैं, फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होने वाली है और मैंने फॉरेन करेंसी में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ताकि करेंसी अप्रिशिएट हो तो मुझे नुकसान ना हो, लेकिन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो आप फेवरेबल मूवमेंट से फ़ायदा नहीं उठा सकते। आप अपने आप को एडवर्स मूवमेंट से प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि फेवरेबल मूवमेंट भी मेरे फेवर में आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको किसी और कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाना पड़ेगा। अब सिंपल, जब हमें एग्जाम में फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन दी जाती है कि एक इम्पोर्टर है और उसको USD पेमेंट करनी है 500,000 इन 3 months टाइम, सही? आज स्पॉट चल रहा है 1 GBP इज इक्वल टू USD 1.4215 1.4320 और 3 months फॉरवर्ड बैंक ने आपको कोट किया। आप बैंक के पास गए, बैंक से कहा मुझे 500,000 USD खरीदने 3 महीने में, रेट बताओ, तो स्पॉट रेट बेकार है क्योंकि आप फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बैंक के साथ। बैंक ने आपको 3 महीने बाद का एक्सचेंज रेट आज दे देना है। बैंक ने आपको कहा कि जी मैं रेट आपसे ये चार्ज करूंगा, कौन सा बिड रेट है, कौन सा ऑफर रेट है, ये हम खुद डिसाइड करेंगे, बैंक सेल लो एंड बाय है उसके अकॉर्डिंगली हम ये कर सकते। एग्जामिनर आपसे पूछेगा हाउ मच GBP इज टू बी पेड इन 3 months टाइम, तो 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो आप किस रेट के हिसाब से GBP देंगे उसको? तो हम कहेंगे पहले ये सोचें कि हमें USD परचेज करना है, सो बैंक सेल करेगा, तो जब बैंक सेल करेगा हम बैंक से USD परचेज करने जाएंगे तो बैंक सेल करेगा, बैंक सेल लो, तो बैंक हमें कौन सा रेट कोट करेगा? बैंक हमें ये रेट कोट करेगा क्योंकि हमें डॉलर खरीदने हैं और बैंक डॉलर बेच रहा है, तो बैंक लो रेट कोट करेगा विच इज़ 4380 इज़ अ हायर रेट। तो 4380 के ऊपर हम फॉरेन करेंसी को हाउ मेनी USD 500,000 USD को ट्रांसलेट कर लेंगे यूजिंग दी 4380। आपसे गलती हुई और आपने 1.4420 ले लिया तो आपको एग्जामिनर इसके मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि यही टेक्निक है, यही डिसाइड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता है कि रेट कैसे जज करते हैं। तो हमने 500,000 USD को डिवाइड किया 1.4380 से, तो हमारे पास रिजल्टिंग GBP आ गए 347705 समथिंग। ये हम देंगे 3 महीने में बैंक को, बैंक हमें हैंड ओवर करेगा 500,000 USD, 500,000 USD जाकर हम अपने सप्लायर को पे कर देंगे। इन केस अगर USD अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो जाता है तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट सही किया, सही है, ये कॉन्ट्रैक्ट गलत किया, वो आपको देखना पड़ेगा कि USD अप्रिशिएट हुआ रियलिटी में 3 महीने बाद क्या हुआ। 3 महीने बाद का स्पॉट रेट अगर आपको दे दिया जाए तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट जो किया था उस कॉन्ट्रैक्ट को हमने प्रोटेक्ट किया या उस कॉन्ट्रैक्ट को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ये टेक्निक कहलाती है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इम्पोर्टर के लिए भी यूज़फुल टेक्निक है और एक्सपोर्टर के लिए भी यूज़फुल टेक्निक है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट 2 जगह आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जब आपको ये कन्फर्म पता हो कि मेरी रिसीट और पेमेंट कन्फर्म आएगी, उसकी डेट आपको कन्फर्म पता हो, पेमेंट आपको पता हो, लाजमी आनी है, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपको ये श्योर हो कि एडवर्स मूवमेंट होगी, अगर आपको ये श्योर हो रहा है कि इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट ही होगा इम्पोर्टर के लिए,
तो फिर इम्पोर्टर को फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट ही करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर उसे ये लगता है कि आइदर एप्रिशिएट भी हो सकता है, डेप्रिशिएट भी हो सकता है, तो फिर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इस्तेमाल करना इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, फिर उसे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के ऊपर सोचना पड़ेगा। अनदर टेक्निक, लेकिन उस टेक्निक पे जाने से पहले मैं ज़रा एक पास पेपर का क्वेश्चन ज़रा निकालता हूँ और देखते हैं कि एग्जामिनर ने पास पेपर में अगर करेंसी पूछी है, पास पेपर का मतलब है वो पुराने पास पेपर भी इस्तेमाल करूँ, जस्ट लेटेस्ट पास पेपर नहीं, जो जिस पैटर्न का आते हैं पुराने पास पेपर जो 2002 से अवेलेबल हैं, एग्जामिनर करेंसी का सवाल कैसे बनाता था, तो पैटर्न अलग होगा और इसी तरह के सवाल को उन्होंने मॉडिफाई करके रिविजन किट में डाला है। तो रिविजन किट में कुछ सवाल आपको मिल जाएंगे पास पेपर्स के, लेकिन पास पेपर का हर सवाल रिविजन किट के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी रिविजन किट की होनी चाहिए और रिविजन किट से आप एज मच एज पॉसिबल जितने भी सवाल कर सकते हैं प्रैक्टिस करें, लेकिन डू फोकस ऑन द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जिसको स्टूडेंट लिफ्ट नहीं कराते, जिसको स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ ओरली सॉल्व करके चले जाते हैं। अब देखें, ये एक सवाल है पास पेपर में, पहले 25-25 नंबर के सवाल आते थे, ये एक 25 नंबर का सवाल है और अगर आप इसकी थोड़ी सी साइंस देखें तो पहले पार्ट में उसने पूछा है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के ऑब्जेक्टिव में कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है, 4 नंबर की थ्योरी। अच्छा जी, फिर उसने पूछा है कि ये फैक्टर बताएं कि डेट लेना है या इक्विटी लेना है, डेट Choosing a source of debt finance, उसके factors बताएं, 8 नंबर की थ्योरी, 12 मार्क्स। फिर उसने पूछा है कि मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और एक्सपेंशन पर्पज़ के लिए क्या मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, 5 नंबर की थ्योरी, 8, 4, 12, 5, 17 मार्क्स की फ्लैट थ्योरी। किसी भी पास्ट पेपर में किसी भी स्टूडेंट के लिए आ जाए और वो थ्योरी पर ग्रिप ही ना हो उसकी, तो वो तो फ्लैट फेल होगा। फिर उसने आखिर में 2 कैलकुलेशन पूछी एक्सचेंज रेट की, जो हमारे लिए अभी टारगेट है हमारा, कैलकुलेट वेदर अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट या मनी मार्केट हेज वुड बी फाइनेंशियली प्रेफर्ड बाय ज़िक्टो टू हेज इट्स फ्यूचर यूरो रिसीट, रिसीट का केस है यानी कि एक्सपोर्टर का केस है। 5 मार्क्स की फॉरवर्ड और मनी मार्केट की स्ट्रेट कैलकुलेशन। अगला फिर कैलकुलेशन, कैलकुलेट 1 ईयर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट predicted by purchasing power parity theory and explain the relationship between spot rate and the current forward exchange rate, इनके दरमियान क्या relationship, 3 नंबर की calculation plus theory। तो देखा जाए तो 8, 5, 13, 8, 4, 12, 5, 17 और इसके अंदर भी 1-2 मार्क्स तकरीबन, तो ये 18 मार्क्स आउट ऑफ 25 नंबर एग्जामिनर ने एक ही सवाल में पूछ लिया। अब जो पैटर्न है एग्जामिनर का, अगर मैं उस पर नज़र डालूँ तो एग्जामिनर MCQs थ्योरी के बनाता है। एग्जामिनर जब MTQs में आता है तो वहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है, वहाँ पर एग्जामिनर जो है वो एक सवाल में 5 MCQs में से 3 कैलकुलेशन के MCQs पूछ लेता है, 2 थ्योरी के MCQs पूछ लेता है, तो 4, 4, 4, 12 नंबर की थ्योरी तो वो MTQs में पूछ लेता है। सेक्शन सी में आता है तो 20 नंबर में से 9 या 10 नंबर की थ्योरी पूछ लेता है एक सवाल में, तो एग्जामिनर के पास 40% प्लस थ्योरी बनाने का अल्टीमेटली बहुत अच्छा एक मार्जिन मौजूद है। अब हम इस चीज़ को माइंड में रखते हैं कि जो सवाल है, इस सवाल के अंदर हमें जो फोकस है हमारा अभी का वो है मनी मार्केट हेजिंग और फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट से रिसीट को कंपेयर करना। तो मैं इसी सवाल में मनी मार्केट हेजिंग भी डिस्कस करके समझा दूंगा, तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। सवाल में ज़िक्टो इज अ मीडियम साइज कंपनी हुज ऑर्डिनरी शेयर्स आर ओन्ड बाय ऑल 1 मेंबर ऑफ फैमिली, ये SME टाइप की कंपनी है। SME के लिए एक प्रॉब्लम है हमारे सिलेबस में जो कि अक्सर पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि SME को फाइनेंस रेस करने में क्या डिफिकल्टी होती। तो आप एक बात ध्यान में रखें कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका 5 नंबर का ये सवाल आ गया SME को फाइनेंस रेस करने में क्या डिफ़िकल्टी होती है, तो अल्टीमेटली आप फंस जाएंगे। तो मैं आपको एक पास पेपर का जो मैंने सवाल ओपन किया था उसमें हम चेक करते हैं कभी क्या उसने SME पूछा है, और अगर SME पूछा है तो हाउ इट लुक लाइक, कैसे पूछा उसने SME के बारे में। हम गए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में,
सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की थ्योरी हमने निकाली, ये आ गई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की थ्योरी। और देखते हैं कभी एग्जामिनर ने SME की थ्योरी पूछी है या नहीं पूछी, एक तो इसी सवाल में पूछी है, तो इस सवाल का भी थ्योरेटिकल पार्ट इसके अंदर मौजूद होगा। वही सवाल इसके अंदर होगा, ये वाला सवाल जो है, डिस्कस द रीजन वाई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि वाई SME इज नॉट एबल टू रेज फाइनेंस, और वाई SME फील्स डिफिकल्टी इन रेजिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डिस्कस ऑल्टरनेटिव फाइनेंस मैथड अवेलेबल फॉर SMEs। तो आप इसकी थ्योरी अच्छी से तैयार करके रखें कि SME को जो फाइनेंस रेस करना होता है तो उसको क्या फाइनेंस रेस करने में हर्डल्स सामने आते हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन अगेन। तो ये SME की बात हो गई। इट हैज़ रिसेंटली बिगन एक्सपोर्टिंग टू अ यूरोपियन कंट्री। ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है और इसे रिसीव करना है 500,000 यूरो 6 महीने के अंदर। अब देखें कंट्री कहाँ पर है, ZITCO जो कंट्री है उसकी करेंसी दी हुई है डॉलर्स। ZITCO की अपनी करेंसी है डॉलर्स और उसकी जो फॉरेन करेंसी है वो है यूरो के अंदर। अब हम नीचे गए, हमने एक्सचेंज रेट चेक किया, इनडायरेक्ट कोट है क्या, तो करंट स्पॉट रेट दिया हुआ है, 6 मंथ का फॉरवर्ड दिया हुआ है, सही है, और 1 ईयर का एक्सचेंज रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है। तो हमने देखा कि एक्सचेंज रेट कैसे लिखा हुआ है, एक्सचेंज रेट दिया हुआ है यूरो पर डॉलर, डॉलर लोकल करेंसी है तो पर वन डॉलर और 1 यूनिट दिया हुआ है लोकल करेंसी के अंदर, और रेट दिया हुआ है फॉरेन करेंसी के अंदर। तो हमने जज कर लिया कि ये इनडायरेक्ट कोट है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि F9 में इनडायरेक्ट कोट ही आना है, लेकिन ख्याल फिर भी रखना है कि ऐसा ना हो किसी MCQs में डायरेक्ट कोट दे दे। तो इनडायरेक्ट कोट पे हम लेके चले, तो ये इनडायरेक्ट कोट है और इसके हिसाब से आसानी हमारे लिए ये करती है उसने इस सवाल में कि उसने 2 रेट्स नहीं दिए, तो हमें डिसाइड करने का मसला ही नहीं है कि बिड कौन सा है और ऑफ़र कौन सा है, एक ही रेट है, या तो बिड होगा या ऑफ़र होगा, और जो हमारे लिए रेलेवेंट रेट है वो उसने यहाँ पर दे दिया, तो एक बचत हो गई इसके अंदर। तो 500,000 यूरो हमें 6 महीने में आने वाले हैं, इसको हैच करना है हमें फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट से और दोबारा हैच करना है मनी मार्केट हेजिंग से। द प्रॉस्पेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स टू यूरोपियन कंट्री में, अब ये बाकी जो चीज़ें दी हुई हैं वो ये आगे काम की होंगी ऑब्वियसली। अच्छा जी, एट द सेम टाइम द कंपनी प्लान्स टू टेक एक्शन टू हेज द एक्सचेंज रेट रिस्क अराइजिंग फ्रॉम इट्स यूरोपियन एक्सपोर्ट्स। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो अंडर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हमें ये पता है कि 6 मंथ का एक्सपोजर है और इसके अंदर जो हमारे पास रिसीट सवाल में दी हुई है वो दी हुई है यूरो 500,000 इन 6 मंथ्स टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए जो रेलेवेंट फॉरवर्ड रेट होगा वो 6 महीने वाला होगा और रेट हमें जो दिया हुआ एक ही है, तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हमने 500,000 यूरो को डिवाइड किया 1.990 तो हमारे पास आ जाएंगे डॉलर, जो कि लोकल करेंसी में डॉलर अवेलेबल हैं, और ये बनते हैं 251,256, यानी कि 6 महीने बाद जो हमें यूरो रिसीव होने वाले हैं, जब हम उसे फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कन्वर्ट करवाएंगे तो हमारे हाथ में 251,256 डॉलर हमें लोकल करेंसी में मिल जाएंगे। अब इसी को अगर हम चलते हैं मनी मार्केट हेजिंग की तरफ, तो मनी मार्केट हेजिंग में साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा इस सवाल में, और ये मनी मार्केट हेजिंग का रिसीट का केस है। मनी मार्केट में रिसीट का केस अलग डिस्कस होता है और पेमेंट का केस सेपरेटली डिस्कस होता है। सबसे पहले मनी मार्केट हेजिंग होती क्या है, मनी मार्केट हेजिंग में और फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क यह है कि फॉरवर्ड में हम आउटराइट एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बैंक के साथ करेंसी बाय और सेल करने का, लेकिन मनी मार्केट हेजिंग में हम किसी के साथ भी करेंसी बाय और सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट टर्म मार्केट में जाकर लेंडिंग ऑफ करेंसी या बोरिंग ऑफ करेंसी,
लेंडिंग एंड बोरोइंग के जरिए अपने जो रिस्क है उसको हेज करने की कोशिश करते हैं। अब इसके स्टेप्स क्या होंगे? अगर मुझे मनी मार्केट में रिसीट को हेज करना है तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं फॉरेन करेंसी बोरो करूँगा, फॉरेन करेंसी कौन सी करेंसी बोरो करूँगा, बोरो अप्रोप्रिएट फॉरेन करेंसी। यानी कि इस एग्जांपल में यूरो में लोन लूंगा, कब लूंगा, आज स्पॉट के ऊपर। तो इस सवाल में देखा जाए, चले मैं पहले स्टेप्स बता दूं फिर आगे सवाल सॉल्व करेंगे। फिर जब मैंने बोरो कर लिया तो मेरे हाथ में आ गई फॉरेन करेंसी आज, अब 6 महीने बाद मुझे वो फॉरेन करेंसी जो ना जो रिसीव होने वाली हो तो 6 महीने बाद होने वाली है, तो मैंने इस फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट किया लोकल करेंसी। नाउ किस रेट से, यूजिंग दी स्पॉट रेट, मेरे हाथ में लोकल करेंसी आ गई। एक तरफ मैंने फॉरेन करेंसी में लोन ले लिया, दूसरी तरफ मेरे हाथ में लोकल करेंसी आ गई। मैं वो लोकल करेंसी अपने हाथ में नहीं रखूंगा, उसको मैं उठाकर लोकल करेंसी में किसी बैंक में डिपॉजिट करवा दूं। अब देखें पॉइंट नंबर 1 में मेरा एक लोन अकाउंट है, पॉइंट नंबर 3 में साइमल्टेनियसली मेरा एक डिपॉजिट अकाउंट है। तो जब दो अकाउंट खुले हुए हैं, एक लोन का अकाउंट खुला हुआ है और एक डिपॉजिट का अकाउंट खुला हुआ है, तो लोन पे भी इंटरेस्ट देना है और डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा होगा, लेकिन जिस करेंसी में लोन लिया होगा उसी करेंसी में इंटरेस्ट जाएगा और जिस करेंसी में डिपॉजिट किया हुआ होगा उसी करेंसी के अंदर हमारा डिपॉजिट जा रहा होगा। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे मैच्योरिटी के ऊपर। ये 3 स्टेप्स करने के बाद हम पहुंच जाएंगे मैच्योरिटी के ऊपर, यानी कि 6 महीने बाद क्या होने वाला है। 6 मंथ के एंड के ऊपर होगा क्या, 6 मंथ के एंड के ऊपर मेरा जो कस्टमर बैठा हुआ है बाहर उससे मुझे कितना अमाउंट कलेक्ट होगा, उससे मुझे कलेक्ट होगा 5 लाख यूरो। व्हाट टू डू विद दिस 5 लाख यूरो? अगर मैं हेज नहीं करता तो ये 5 लाख यूरो मुझे मिलते, मार्केट में जाता 5 लाख यूरो को बेचता और लोकल करेंसी मिल जाती, लेकिन रिस्क था कि यूरो डेप्रिशिएट ना हो जाए, तो इसलिए मैं इसको कन्वर्ट करवाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ जो 5 लाख यूरो मेरे पास आए ये मुझे यूरो की फॉर्म में ना मिले, ये मुझे डॉलर की फॉर्म में मिल जाए, लोकल करेंसी के फॉर्म में मिल जाए। तो अब मैंने क्या किया हुआ है, अब मैंने कुछ ऐसा किया हुआ है कि जब ये 5 लाख यूरो आए तो पहला काम मुझे क्या करना है, मैंने अपनी जो फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स थी जो मैंने लोन लिया हुआ था वो इस 5 लाख यूरो से पूरा पे ऑफ कर देना। तो मैंने लोन कितना लिया होगा, मैंने लोन लिया होगा लेस देन 500,000 यूरो, ताकि 6 महीने में इंटरेस्ट मिलाकर मेरा लोन 500,000 यूरो के बराबर हो जाए। तो मेरा लोन एग्जैक्टली कितना होगा, 500,000। तो कस्टमर की रिसीट से मैंने अपनी फॉरेन करेंसी ऑब्लिगेशन को पे ऑफ कर दिया, यानी कि ये हो गया डन। बाकी क्या बचा, अब मेरे हाथ में एक लोकल करेंसी में डिपॉजिट अकाउंट पड़ा हुआ, वहाँ से मैंने डिपॉजिट से सारा पैसा बाहर निकाल लिया जो कि लोकल करेंसी में था, तो बैंक ने मुझे डिपॉजिट के साथ साथ उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट भी दिया होगा डिपॉजिट के ऊपर। ये दोनों मिलाकर आज 6 महीने बाद मेरे हाथ में क्या आया, मेरे हाथ में आ गया लोकल करेंसी। तो अल्टीमेटली जो 5 लाख यूरो मुझे मिलने वाले थे, मुझे 5 लाख यूरो तो नहीं मिले, मेरे हाथ में तो यूरो आई नहीं, यूरो आए ऑब्लिगेशन में चले गए, मेरे हाथ में क्या आया, लोकल करेंसी। तो अगर फॉर एग्जांपल करेंसी एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो भी जाती है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ा, मैंने तो अपने आप को इस तरीके से हैच किया हुआ है कि मेरी फॉरेन करेंसी रिसीव मेरे लोन को पे ऑफ कर रही है और मेरे हाथ में आज लोकल करेंसी आ रही है। इस सिस्टम के जरिए जो हेजिंग की जाती है
उसको कहा जाता है मनी मार्केट हेजिंग। और इसके ये चार तीन स्टेप्स हैं, 1, 2, 3, और आखिर में ये डिसीजन हम लेते हैं। इसको अच्छी तरह से इस स्टेप्स को याद करना है और इसके ऊपर 2 या 3 मरतबा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करनी है ताकि ये स्टेप रट जाए। क्योंकि इसके अंदर जो मसला है ना, वो ये मसला है कि जब हम बोरो करेंगे ना तो हमें पीवी निकालनी पड़ेगी, हमें 5 लाख यूरो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर लोकल करेंसी में डालने के लिए स्पॉट रेट चाहिए होगा, फिर लोकल करेंसी डिपॉजिट के लिए इंटरेस्ट रेट चाहिए होगा, तो हमें मुख्तलिफ रेट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो मैं इस सवाल में पहला स्टेप क्या कर रहा हूँ, बोरो अप्रोप्रिएट फॉरेन करेंसी। अब मेरा जो एग्जांपल है उसमें फॉरेन करेंसी है यूरो, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 500,000 यूरो कैलकुलेट करूँ, और उसके लिए मुझे यूरो का इंटरेस्ट रेट चाहिए होगा, यूजिंग यूरो इंटरेस्ट रेट। अब सवाल पे चलते हैं, क्या हमारे पास यूरो का इंटरेस्ट रेट है? तो हमारे पास डिपॉजिट यूरोपियन कंट्री में करते हैं उसका भी रेट है, बोरो यूरोपियन कंट्री में करते हैं उसका भी रेट है, डिपॉजिट लोकल करेंसी में करते हैं उसका भी रेट है, डिपॉजिट बोरो लोकल करेंसी से करते हैं उसका भी रेट है। चार रेट दिए, लेकिन मेरे लिए जो रेलेवेंट रेट है वो है फॉरेन करेंसी का बोरिंग रेट, यानी कि यूरो का बोरिंग रेट जो कि दिया हुआ है 5%। तो 5% जो मुझे रेट दिया हुआ है ना, ये है पर एनम, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ 6 मंथ में, तो 5% × 6/12, तो मेरा 6 महीने का रेट आ गया 2.5%। सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये कि आपको करेक्ट रेट चूज करना है और उसको अप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम में डिवाइड करके अब इसकी पीवी कैलकुलेट होगी। देखिए पीवी कैसे कैलकुलेट होती है, पीवी तो नॉर्मल है तरीका, 5 लाख को डिवाइड कर दें 1+ इंटरेस्ट रेट 0.025, तो आपके हाथ में यूरो आ जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू की टर्म्स के अंदर। कितने यूरो आएंगे, तो आपके हाथ में जो यूरो आ रहे हैं वो आएंगे 487,805। ये आपने आज जाके लोन ले लेना। सवाल ये बताओ, 5 लाख लोन क्यों नहीं लिया, पेमेंट तो मुझे 5 लाख, रिसीप्ट तो मेरी 5 लाख की, 6 महीने बाद ये 5 लाख हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने इसे पीवी पे कन्वर्ट किया है तो 6 महीने बाद इसकी वैल्यू अल्टीमेटली कितनी होनी है, 5 लाख होनी है। पहला काम डन, बोरो अप्रोप्रिएट फॉरेन करेंसी, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक है, तो इसको इसी तरीके से याद करके किया जाए कि पहला काम ये करना है, इसके लिए इंटरेस्ट रेट कौन सा लेना है, इसको डिवाइड करना है, फिर आ जाएगा दूसरा काम। आपके हाथ में इस वक्त क्या है, आपके हाथ में इस वक्त फॉरेन करेंसी, आप फॉरेन करेंसी लेकर जा रहे हैं ना, तो बैंक को कहते हैं ये फॉरेन करेंसी ले लो और मुझे लोकल करेंसी दे दो, तो कौन सा रेट यूज होगा, बैंक आपसे फॉरेन करेंसी बाय करेगा, आप फॉरेन करेंसी बैंक को बेच रहे हैं, बैंक आपसे फॉरेन करेंसी बाय करेगा, तो कौन सा रेट इस्तेमाल होगा, बैंक का बिड रेट यूज़ करते हुए, स्पॉट बिड रेट यूज़ करते हुए आप इसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवा लो। हमारे केस में तो एक ही रेट था तो हमें टेंशन नहीं थी, लेकिन मैंने रूल बता दिया बिड इस्तेमाल होगा। तो आज का जो बिड चल रहा है वो चल रहा है 2, तो हमने इसको कन्वर्ट करवा लिया 487,805 फॉरेन करेंसी को 2 से डिवाइड किया, तो ये आपके हाथ में डॉलर आ गए और ये डॉलर बनते हैं 2 से डिवाइड करने के बाद 243,903। अब क्या करें, इसको डिपॉजिट में डाल दें 6 महीने के लिए, 6 महीने तक इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, किस करेंसी में मिलेगा, लोकल करेंसी डिपॉजिट पे। सवाल में लोकल करेंसी डिपॉजिट रेट दिया हुआ है, उसको इस्तेमाल करके इसकी 6 महीने बाद की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसकी 6 महीने बाद की वैल्यू क्या होगी, इसकी 6 महीने बाद की वैल्यू होगी, आज इसकी वैल्यू है 243,903 1+ डिपॉजिट रेट,
हमने डॉलर का डिपॉजिट रेट लिया, डॉलर का डिपॉजिट रेट चल रहा है 4% पर एनम, तो इसको 2 में डिवाइड करते हैं, 6 महीने का 4% पर एनम, तो 4% इंटू 6/12, तो ये हो गया आपका 2% फॉर 6 मंथ। अब आपने लगाया 2439031 प्लस 0.02, तो 6 महीने बाद आपके जो डॉलर डिपॉजिट अकाउंट था इट विल यील्ड यू 248781। ये आपकी 6 महीने बाद का अमाउंट आपको रिसीव होगा अगेंस्ट 500 यूरो। तो ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, सो इसी तरीके से फॉलो करना है। और अगर हम इसे फॉरवर्ड से कंपेयर करें तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने आंसर निकाला था वो था 251526, और मनी मार्केट हेजिंग से हमें 251 रिसीव नहीं हो रहे, सो फॉरवर्ड इज अ बेटर ऑप्शन। फॉरवर्ड में हमें ज़्यादा लोकल करेंसी मिल रही है एज कंपेयर टू मनी मार्केट हेजिंग। इस पे कोई सवाल पूछना है तो कैन आस्क। जो नेक्स्ट पार्ट था वो देख लेते हैं, थ्योरी का पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि कैलकुलेट करें वन ईयर एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट प्रिडिक्टेड बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। अच्छा, हमें वन ईयर का फॉरवर्ड दिया हुआ है, ये फॉरवर्ड बैंक ने हमें कोट किया या किसी ने भी कोट किया, वो ये कह रहा है कि इसको आप कंपेयर करें कि एक्सपेक्टेड रेट परचेजिंग पावर पैरिटी से कितना बनता है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी है क्या, वन ईयर फॉरवर्ड रेट हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट प्रिडिक्ट किया जाता है, वन ईयर फॉरवर्ड रेट हमें दिया हुआ है सवाल में 1.981 पर डॉलर। यूरो पर डॉलर, ये हमें वन ईयर फॉरवर्ड रेट दिया है, यानी कि अगर हम बैंक से एक साल का फॉरवर्ड करने जाएंगे तो बैंक इस रेट के ऊपर हमसे बाय और सेल करेगा। वो कह रहे हैं वन ईयर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट बताएं क्या होगा परचेजिंग पावर पैरिटी इस्तेमाल करते हुए। तो व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी ऑल्सो सेज लॉ ऑफ वन प्राइस। इस थ्योरी का आर्ग्यूमेंट यह है कि दो मुल्कों के दरमियान अगर प्राइसेस में डिफरेंस होगा तो वो प्राइस का डिफरेंस अल्टीमेटली उनके एक्सचेंज रेट के डिफरेंशियल में कन्वर्ट होगा। क्या मतलब, इसका मतलब है कि दो मुल्कों में इन्फ्लेशन रेट, परचेजिंग पावर कहते हैं इन्फ्लेशन को, दो मुल्कों में अगर डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट होंगे तो उन दोनों मुल्कों का एक्सचेंज रेट इन्फ्लेशन की डिफरेंशियल को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर यूके में इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 8% और यूएसए के अंदर इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 4%, तो कहाँ महंगाई ज़्यादा है, यूके में महंगाई ज़्यादा है, यूके इज़ एन एक्सपेंसिव कंट्री। Now provided that you can easily buy from USA, UK से आप US जा सकते हैं, US से UK जा सकते हैं, transaction cost बिल्कुल भी नहीं है, सारी assumption लेने के बाद होता क्या है कि जिस मुल्क का inflation rate ज़्यादा होता है, higher inflation होती है जिस मुल्क की, उसकी currency depreciate होना शुरू हो जाती है। परचेजिंग पावर पैरिटी इसको एक्सप्लेन करता है क्यों,
परचेजिंग पावर पैरिटी कहता है कि जिस मुल्क की अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है उसका एक्सचेंज रेट क्या होता है, उसका एक्सचेंज रेट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को अगर प्रिडिक्ट किया जाए कि वाकई अगर ऐसा होता है तो एक फार्मूला है, ये फार्मूला आपको एग्ज़ाम में गिवन मिलता है, तो एग्ज़ाम वाले ही एग्जैक्ट जो है वो वेरिएबल इस्तेमाल करता हूँ जो फार्मूला शीट के अंदर दिए हुए होते हैं, और वहाँ पर जो आपको फार्मूला दिया जाता है वही मैं एग्जैक्टली कॉपी करता हूँ ताकि हम उसी वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकें। ये देखिए जी, ये फार्मूला आपको एग्ज़ाम में गिवन मिलेगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला वाला फार्मूला परचेजिंग पावर पैरिटी का है और जो दूसरा वाला फार्मूला है वो इंटरेस्ट रेट पैरिटी का है। तो हम ये फार्मूला देखते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी का ये फार्मूला। ठीक, इसमें जो S1 है ये एक्सपेक्टेड स्पॉट है और इसमें जो S0 है ये आपको स्पॉट रेट दिया हुआ है। इसके अंदर ये HC है, ये इन्फ्लेशन है फॉरेन कंट्री के अंदर, और जो HB है ये इन्फ्लेशन है लोकल कंट्री के। तो अगर मैं अपने सवाल पे जाता हूँ तो मुझे दो मुल्कों की इन्फ्लेशन चाहिए, क्या इन्फ्लेशन है मेरे पास, क्या मेरे पास सवाल में इन्फ्लेशन थी दो मुल्कों की इन्फ्लेशन? तो इन्फ्लेशन इन यूरोपियन कंट्री इज 3% पर एनम, वाइल इन्फ्लेशन इन द होम कंट्री इज जिक्टो को इज 4.5% पर एनम। अच्छा, रेट उसने पर एनम पूछा है ना, अगर रेट 6 महीने के बाद पूछेगा तो ये भी एडजस्ट होगा, तो रेट उसने एनुअल पूछा है तो एनुअल इन्फ्लेशन रेट चाहिए होंगे। यूरोपियन कंट्री में 3% है और होम कंट्री में 4.5 है, इसका मतलब होम कंट्री में ज़्यादा है, तो टेक्निकली होम कंट्री की करेंसी वीक होनी चाहिए 4.5। तो S1 is equal to 1 plus 0.03 divided by 1 plus 0.045। ये तो आगे करेंसी रेट, और जो स्पॉट रेट हमें दिया हुआ था वो स्पॉट रेट हमें दिया हुआ था आज का 2। तो 2 हमें स्पॉट रेट दिया हुआ है। अगर हम इसको प्रिडिक्ट करने जाएंगे यूजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी तो ये रेट दिखाएगा आपको अल्टीमेटली 1.971 यूरो पर डॉलर। ये रेट बता रहा है कि आपका जो एक्सपेक्टेड रेट है फ्यूचर में 12 महीने का वो ये हो जाएगा, इसके मुकाबले में स्पॉट के मुकाबले में। अब आज अगर स्पॉट को देखा जाए तो एक लोकल करेंसी का यूनिट 2 फॉरेन करेंसी यूनिट के बराबर है, लेकिन अगर हम आगे देख रहे हैं तो हमें ये दिखा रहा है कि एक लोकल करेंसी का यूनिट 1.971 यूरो के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि यूरो अप्रिशिएट हो रहा है जिस मुल्क में इन्फ्लेशन कम है, और डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है जिस मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा है। ये तो परचेजिंग पावर पैरिटी की कैलकुलेशन होती है। अब जो दूसरा पार्ट उसने पूछा था ये काफ़ी टेक्निकल है, दूसरा पार्ट जो उसने पूछा था कि एक्सप्लेन करें ब्रीफली द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट जो हमने कैलकुलेट किया यूजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी और करंट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो कि बैंक ने हमें कोट किया है, ये फ़र्क क्यों आ रहा है? तो दोनों सेम नहीं होने चाहिए, इसमें फ़र्क क्यों आ रहा है? आइडियली तो दोनों सेम होने चाहिए। तो एक 12 महीने का जो फ्यूचर रेट बैंक ने दिया हुआ है और वो कहता है कि अगर आपको 12 महीने के लिए कुछ चाहिए तो आज प्रिडिक्ट कर लें, तो बैंक नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट प्रिडिक्ट कर रहा होता है वो इंटरेस्ट रेट पैरिटी से कर रहा होता है। अगर इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में दरमियान इक्विलिब्रियम हो तो फिर ये दोनों सेम हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये होता है कि डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट्स होते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स के दरमियान और इन्फ्लेशन के दरमियान डिसइक्विलिब्रियम होता है। तो जो फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है वो फॉरवर्ड रेट किससे कैलकुलेट किया हुआ होगा बैंक ने? इंटरेस्ट रेट पैरिटी से।
कि दो मुल्कों के दरमियान इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल होता है, उसको हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी कहते हैं। फार्मूला ऑलमोस्ट सेम ही है। और हमने जो कैलकुलेट किया है एक्सपेक्टेड स्पॉट, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है थ्रू परचेजिंग पावर पैरिटी। तो जब दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाएं, सिमिलर मोमेंट ना हो दोनों के अंदर, सिमिलर चेंज ना हो डिफरेंशियल के अंदर, तो अगर दो मुल्कों के इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन रेट्स इक्विलिब्रियम में आ गए, तो फॉरवर्ड जो बैंक दे रहा होगा और परचेजिंग से जो एक्सपेक्टेड स्पॉट लेंगे तो बराबर ही होना है ना उसको। तो हमारे केस में ये बराबर नहीं आ रहे। हमारे केस में फॉरवर्ड रेट अलग है, हमारे केस में फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, हमारे केस में फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है 1.981 और हमारा आंसर आ रहा है 1.971। तो उसकी वजह यह है कि देर इज अ डिस इक्विलिब्रियम बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट, जिसकी वजह से ये दोनों पैरिटी अलग अलग आंसर नॉर्मली दे रही होती है। एक छोटा सा एक जस्ट पैराग्राफ आपको लिखना है और अल्टीमेटली यू कैन गेट इजीली मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक और पास पेपर का क्वेश्चन डालते हैं इसके अंदर करेंसी का, और उससे हम मनी मार्केट की पेमेंट को भी डिस्कस कर लेंगे होपफुली। अगेन अ पार्ट क्वेश्चन, क्योंकि पार्ट क्वेश्चन ही आना है। देखें जी, ये भी पास पेपर का सवाल है, और इस सवाल में भी अगर देखें हम तो पहले पार्ट में वो पूछ रहा है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट, यानी कि वो कह रहा है इंटरेस्ट रेट पैरिटी को डिस्कस करें। तो ये थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई, इंटरेस्ट रेट पैरिटी और परचेजिंग पावर पैरिटी, और दूसरे में कह रहा है इन्फ्लेशन तो परचेजिंग पावर पैरिटी को डिस्कस करें। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करें। अब ये जो रिलेशनशिप बनता है इन दोनों के दरमियान, इसको एक और थ्योरी है फिशर्स अफेक्ट। तो फिशर अफेक्ट जो है वो इसको एक्सप्लेन करता है कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो अल्टीमेटली हमें वो फिशर अफेक्ट का भी पता होना चाहिए और इंटरेस्ट रेट पैरिटी का भी पता होना चाहिए सेपरेटली, और परचेजिंग पावर पैरिटी का भी पता होना चाहिए, ताकि हम उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकें, एग्जामिनर को बता सकें कि जी ये रिलेशनशिप होता है। थ्योरी के मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं बता सकें तो अल्टीमेटली एक नंबर भी वहाँ से हमें नहीं मिलेगा। ये थ्योरी में अभी थोड़ी देर में हम इसको डिस्कस करेंगे, बल्कि एग्जामिनर का ही सॉल्यूशन से डिस्कस करेंगे कि उसने इसको किस तरीके से जो है ना वो एक्सप्लेन किया है। अच्छा जी, अभी हमारा एजेंडा है इसकी कैलकुलेशन करना, जो अगले पार्ट में है। वो कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेट करें वेदर अ फॉरवर्ड मार्केट हैज और अ मनी मार्केट हैज शुड बी यूज टू हैज द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 5 मिलियन पीसो इन 6 मंथ्स टाइम। पिछले सवाल में रिसीट थी, सही है, इस सवाल के अंदर हमारी पेमेंट आ गई। एज्यूमिंग कर लें कि अगर जेड पी एस को वो नीड टू बोरो एनी कैश इट यूजेज इन हैजिंग एक्सचेंज रेट रिस्क, उसके पास अभी कुछ भी नहीं है, तो अगर उसको हैजिंग करनी है तो उसको बोरो करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हम ज़रा रेट्स वगैरह देख लेते हैं। देखें रेट्स क्या क्या दिए हुए हैं। जेड पी एस हुज होम करेंसी इज डॉलर, लोकल करेंसी कौन सी हो गई, लोकल हो गई डॉलर, took out a fixed interest peso bank loan, peso कौन सी करेंसी हो गई, foreign हो गई peso, सही है, several years ago when peso interest rates were relatively cheap compared to dollar interest rate, economic difficulties have now increased peso interest rates while dollar interest rates have remained relatively stable. ZPS must pay interest of 5 million peso in 6 months time. Following information is available. Take a rate kisme diye hue, 1 unit kisme, 1 unit diya hua hai local currency mein, iska matlab ye indirect quote hai. To aapko spot diya hua hai
ये आपका स्पॉट है, ये आपका 6 मंथ का फॉरवर्ड है, और अब आपको दो रेट्स दिए हुए हैं तो आपको जज करना है। तो हायर साइड वाला मैं पहले लिख देता हूँ, ये क्या है, बैंक का बिड रेट है और ये बैंक का ऑफर रेट है। तो ये आप एग्ज़ाम में कर लें ताकि टेंशन ना और आसानी से समझ में आ सके। उसके बाद उसने मनी मार्केट हेजिंग के लिए हमें दो इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए हैं, पीसो का बोरिंग और डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है और डॉलर का डिपॉजिट और बोरिंग का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है पर एनम जो हमें इस्तेमाल करना है। तो हम चलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कितनी पेमेंट करनी है, पेमेंट का केस है, पेमेंट हमें करनी है 5 मिलियन पीसो इन 6 मंथ्स टाइम, 5 मिलियन पीसो इन 6 मंथ्स। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में वी नीड अ फॉरवर्ड रेट, करेक्ट फॉरवर्ड रेट चूज करना है। अगर हमें पीसो पे करना है तो हम फॉरेन करेंसी बाय करने जाएंगे और बैंक हमें फॉरेन करेंसी बेचेगा, तो बैंक का वी नीड टू हैव एन ऑफर रेट, फॉरवर्ड ऑफर रेट। फॉरवर्ड ऑफर रेट क्या है, 12.805, ये रेट हमने चूज कर लिया। अब सिंपल क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है। तो पीसो 5 मिलियन अगर आपको चाहिए तो बैंक आपको किस रेट पे बेचेगा, 12.805। तो आपके हाथ में क्या आ जाएंगे, आपके हाथ में डॉलर आ जाएंगे इक्विवेलेंट इसके अगेंस्ट, क्या आपके डॉलर कितने, 3,90,472, ये आपके हाथ में, यानी कि ये डॉलर देंगे तो बैंक आपको 5 मिलियन पीसो देगा और वो 5 मिलियन पीसो उठाकर आप अपने सप्लायर को दे दें या इंटरेस्ट की पेमेंट कर दें, वॉट एवर जो भी पेमेंट आपको करनी है, उसका इक्विवेलेंट अमाउंट 6 महीने में 3,90,472 बनता है। अच्छा, मनी मार्केट हेजिंग का जो पेमेंट का केस है वो रिसीट से मुश्किल है, रिसीट आसान है और मनी मार्केट का पेमेंट का मैकेनिज्म थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेकिन हम सबसे पहले अपनी वही जो कहानी है, जो स्टेप्स वाली, वो लेके चलते हैं। पहले उन स्टेप्स को समझते हैं, फिर उस स्टेप्स की कैलकुलेशन, दो चीज़ें होती हैं। पहले तो आपको वो स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, याद कर लें अच्छी तरीके से, रट लें और फिर उन स्टेप्स की 1 by 1 वर्किंग करें। अगर आपने एग्ज़ाम में वो 1 by 1 वर्किंग सही की तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर वर्किंग नहीं की 1 by 1 तो ऑब्वियसली फिर उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो स्टेप्स क्या हैं, वो स्टेप्स अगर आप ध्यान में लाएं तो ये उसके उल्टे स्टेप्स हैं। बोरो अप्रोप्रिएट लोकल करेंसी में, वहाँ फॉरेन करेंसी बोरो की थी, कर लीजिए लोकल करेंसी नाउ। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना है इमीडिएटली आज। फिर आपके हाथ में आ गई फॉरेन करेंसी, उसको उठा के आपने एक फॉरेन करेंसी का अकाउंट खोल के वहाँ पे जमा करो। जो काम मैंने वहाँ किया था एग्जैक्टली उसका उल्टा हो रहा है, सही है। मैच्योरिटी पे क्या होगा, मैच्योरिटी पर आपको फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है। कैसे करेंगे पेमेंट, क्यों हमने ये सेटअप बनाया, पेमेंट में कैसे करेंगे, तो मुझे आई नीड टू पे फॉरेन पेमेंट। तो
तो क्या मैंने ये मैकेनिज्म सही बनाया जिससे मैं फॉरेन करेंसी की पेमेंट कर सकता हूँ? तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो डिपॉजिट में मैंने पैसा डाला हुआ है ना यहाँ पर फॉरेन करेंसी डिपॉजिट में, ये 6 महीने बाद या 3 महीने बाद इतना हो जाएगा कि जो मेरी फॉरेन करेंसी पेमेंट के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसे विड्रॉ करूँगा डिपॉजिट अकाउंट से, और अपने सप्लायर को पे ऑफ कर दो। तो जो पेमेंट करनी थी फॉरेन करेंसी में, उसके लिए मुझे कोई करेंसी बाय और सेल नहीं करनी पड़ रही। मैंने खुद से एक ऐसा मैकेनिज्म जनरेट किया है कि जब मुझे पेमेंट करनी होगी मेरे बैंक में कहीं से फॉरेन करेंसी आ जाएगी। तो मैंने कितना डिपॉजिट करवाया होगा, मैंने इतना डिपॉजिट करवाया होगा फॉरेन करेंसी के जो 6 महीने के अंदर जो भी इक्विवेलेंट अमाउंट है उसके बराबर बन जाए। इसका मतलब मैंने कम डिपॉजिट करवाया होगा। और आपके ऊपर एक लायबिलिटी चढ़ी हुई है लोकल करेंसी लोन, तो आप उस लोकल करेंसी लोन को पे कर दें और इंटरेस्ट के साथ पे कर दें, पे लोन विथ इंटरेस्ट। तो आपकी पॉकेट से जो अमाउंट जा रहा है वो जा रही है लोकल करेंसी, और आपको देनी क्या थी, फॉरेन करेंसी, जा क्या रही है लोकल करेंसी। तो एक्सचेंज रेट का मसला हल हो गया। एक्सचेंज रेट अल्टीमेटली हमें कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ रही यहाँ पर। अब ये तो सीधा सीधा है, स्टेप्स भी याद हो जाते हैं, लेकिन इसकी कैलकुलेशन जो ना थोड़ी सी ट्रिकी है, उल्टी कैलकुलेशन। यानी कि हम वहाँ पर अप्रोप्रिएट फॉरेन करेंसी बोरो करने के लिए आराम से पीवी निकाल लेते थे, यहाँ हमें फॉरेन करेंसी से चलना है और लोकल पर आना है। तो हम स्टेप नंबर 3 के अंदर जो डिपॉजिट लिखा हुआ है ना, स्टेप नंबर 3 के अंदर जो डिपॉजिट लिखा हुआ है, डिपॉजिट फॉरेन करेंसी नाउ, उससे स्टार्ट करें। आज कितनी फॉरेन करेंसी डिपॉजिट करवाऊं कि वो 6 महीने बाद या 3 महीने बाद एग्जैक्टली उसके बराबर आ जाए। तो मैं यहाँ पे रेट इस्तेमाल करता हूँ सवाल में, कितने पीसों चाहिए, 5 मिलियन पीसों, और पीसों का डिपॉजिट रेट क्या है, 7.5% पर एनम। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ पीवी ऑफ 5 मिलियन पीसों जो मुझे आज डिपॉजिट करना है, इंटरेस्ट रेट कौन सा, पीसों का डिपॉजिट रेट, टू कंफ्यूजिंग किस वक्त क्या इस्तेमाल करना है, याद करना बहुत ज़रूरी है। 7.5% पर एन एम, 7.5% पर एन एम, तो 6 मंथ का कितना होगा, 7.5 × 6/12, तो हो जाएगा 3.75%। ये डिपॉजिट मिलेगा मुझे 6 महीने तक, तो उसके बाद ये 5 मिलियन बनते हैं। तो इसकी पीवी निकालूंगा तो 5 मिलियन पीसो डिवाइडेड बाय 1 + 0.0375, तो आपके हाथ में आज आपको कितने पीसो डिपॉजिट करने हैं वो पीसो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज आपको कितने पीसो डिपॉजिट करने हैं, आज आपको पीसो डिपॉजिट करने हैं 4819277। ये आपको पीसो आज डिपॉजिट कर, लेकिन ये पीसो आपके पास आएंगे कहाँ से, तो लोकल करेंसी में लोन लिया होगा, उसको कन्वर्ट करवाया होगा पीसो में, वो पीसो उठा के जो आपको डिपॉजिट करने हैं वो आज इतने पीसो हैं, अभी है नहीं आपके पास पीसो, आपको तो लोकल करेंसी में लोन लेके पीसो क्रिएट करना। लेकिन मैंने निकाल लिया कि कितने पीसो डिपॉजिट करवाऊँगा कि वो 6 महीने में 5 मिलियन बन जाएंगे, पहला स्टेप। टेक्निकली ये उल्टा चल रहा है लेकिन ये पहला स्टेप है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप बनता है मेरा दूसरा वाला, वो है मुझे इन पीसों का लोकल करेंसी अमाउंट चाहिए, लोकल करेंसी इक्विवेलेंट चाहिए कि ये आज कितने लोकल करेंसी के बराबर है। तो लोकल करेंसी का रेट चाहिए मुझे, स्पॉट रेट चाहिए क्योंकि आज की वैल्यू,
अब मसला ये है कि मैं लोकल करेंसी लेके जा रहा हूँ बैंक के पास और बैंक से फॉरेन करेंसी बाय करूँगा, तभी तो मेरे हाथ में पीसों आएंगे। तो बैंक फॉरेन करेंसी मुझे सेल कर रहा है तो ऑफर रेट इस्तेमाल करूँगा, और ऑफर रेट स्पॉट का आज क्या दिया हुआ है, 12.5 ऑफर 12.5। इन पीसों को डिवाइड करते हैं, 4819277, 12.50। तो हमारे हाथ में यूएसडी आ गया, तो यूएसडी हमें चाहिए, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके ज़रिए, और वो यूएसडी आ गया हमारे पास 385542, 542। बोरो नाउ, लोकल करेंसी लोन, बोरो लोकल करेंसी नाउ। अब इसको सीधा करें, 385542 का बोरो करें लोकल करेंसी में, वो लोकल करेंसी कन्वर्ट करवाएं पीसों में, 4819277 बनेगी, उस पीसों को जाके डिपॉजिट करवा दें, वो डिपॉजिट आगे जाके 6 महीने में 5 लाख का बन जाए। तो ये एक छोटा सा एक स्टेप है, इस स्टेप को एक दो मरतबा प्रैक्टिस करके कुछ चीज़ें याद कर ली जाएं तो ये स्टेप्स इजीली हो जाता है, वरना स्टूडेंट एग्ज़ाम में जब तक उसने सॉलिड याद नहीं किया हुआ होगा, ये दिमाग चलाना लॉजिकल एग्ज़ाम में एग्ज़ाम वाले दिन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो लोकल करेंसी ये बोरो कर रहा है, तो अब इस लोकल करेंसी पे उसको इंटरेस्ट भी तो देना है, लोकल करेंसी बोरोइंग प्लस इंटरेस्ट 6 महीने का, तो बोरोइंग लिखी हुई है ना, तो बोरोइंग रेट इस्तेमाल होगा, लोकल करेंसी का बोरोइंग रेट, लोकल करेंसी का बोरोइंग रेट, डॉलर का बोरोइंग रेट 4.5% पर एनम, 4.5% पर एनम, 4.5 × 6/12, तो ये हो गया आपका 2.25। सो डॉलर 385542 1 + 0.0225, तो 6 महीने बाद आप बैंक को जो लोकल करेंसी लोन रिटर्न करना है आपको, वो हो जाएगा 3,94,217, 3,94,217 ये वापस करेंगे आप लोकल करेंसी लोन, जो कि 5 मिलियन पीसों के इक्वल अमाउंट बनता है। और इसको अगर हम फॉरवर्ड से कंपेयर करें तो फॉरवर्ड में बन रहा था 390472, तो इसका मतलब है फॉरवर्ड इज चीपर देन मनी मार्केट हेजिंग। ये हमारा ये सवाल हो गया डन। इसको रिकॉर्डिंग में एक दफ़ा अच्छी तरह से सुन के, फिर इसके दो तीन प्रैक्टिस क्वेश्चन करके इसको पक्का करके आप एग्जाम में जा सकते हैं। अच्छा एक ट्रिक नोट करें यहाँ पर, जब मैंने फॉरवर्ड यूज़ किया था तो उसमें भी ऑफर आ रहा था, तो मनी मार्केट में जब मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ वहाँ भी ऑफर आ रहा है। इसका मतलब एक कंसिस्टेंसी है कि अगर मैंने फॉरवर्ड का रेट सही पिक कर लिया, चाहे वो रिसीट का केस हो या पेमेंट का केस हो, तो आप इसमें कंसिस्टेंसी पिक कर लें, आसानी रहेगी याद करने के लिए, रट्टा मारने के लिए, कि अगर आपको एक ही सवाल में फॉरवर्ड भी करना है और मनी मार्केट हेजिंग भी करना है, और आपने पहले फॉरवर्ड किया और फॉरवर्ड का रेट सही तरह से पिक कर लिया, तो आप वही कन्वर्जन रेट स्पॉट का मनी मार्केट हेजिंग में ब्लाइंडली इस्तेमाल कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं होगी, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। अब चलते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट, दैट इज इंटरेस्ट रेट पैरिटी, एंड एक्सचेंज रेट एंड इन्फ्लेशन रेट, और इन्फ्लेशन रेट परचेजिंग पावर पैरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, ट्रांजेक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, उसके बाद ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेजिंग पावर और इंटरेस्ट रेट पैरिटी।
अब वो रिलेशनशिप की बात कर रहा है, थोड़ी बहुत थ्योरी मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम इसके एग्जामिनर के आंसर को ही एक्सप्लेन करें। एग्जामिनर का आंसर बड़ा होता है, हमें इतना नहीं लिखना होता, ऑब्वियसली बात है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए बड़ा अच्छा आंसर होता है। सो लेट्स डिस्कस कि क्या रिलेशनशिप बनता है इन थ्योरीज का। इंटरेस्टेड पैरिटी प्रेडिक्ट करने का फॉर्मूला भी यूज़ करना आना चाहिए। अब वो रिलेशनशिप का ये आंसर काफ़ी अच्छा आंसर लिखा हुआ है, इसमें से कुछ चीज़ें उठा लें, कुछ चीज़ें पकड़ लें, याद कर लें, परचेजिंग पावर पैरिटी की, इंटरेस्टेड पैरिटी की, ताकि अगली दफ़ा एग्जाम में तो यहीं से कॉपी करके लिख दिया जाए। मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट कैन बी रिलेटेड टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट एंड टू चेंजेस इन इन्फ्लेशन रेट। ये कह रहे हैं कि अगर मूवमेंट आती है तो या तो इंटरेस्ट रेट की वजह से आती है या एक्सचेंज रेट इन्फ्लेशन की वजह से आती है। द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी, वाइल द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड इन्फ्लेशन रेट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड्स दैट, क्या बताती, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पॉट एक्सचेंज रेट एंड द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज कैन बी लिंक्ड टू द रिलेटिव नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ टू कंट्रीज। दो मुल्कों के दरमियान अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का फ़र्क आ रहा है तो वो फ़र्क स्पॉट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के दरमियान आएगा। फॉरवर्ड रेट कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द स्पॉट रेट बाय द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ टू कंट्रीज। द करेंसी ऑफ द कंट्री विद द हायर नॉमिनल रेट will be forecast to weaken against the currency of the country with the lower nominal rate. क्या मतलब, बिल्कुल inflation की तरह, जहाँ interest rate nominal higher होगा, nominal यानी कि inflation के साथ, उसकी currency गिरना शुरू हो जाएगी। Both the spot rate and the forward rate are available in the current foreign exchange market and the forward rate can be guaranteed by using a forward contract. ये सिंपल उसने परचेजिंग पावर इंटरेस्ट पैरिटी को एक्सप्लेन किया। परचेजिंग पावर पैरिटी होल्ड्स दैट द करंट स्पॉट रेट एंड द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कैन बी लिंक्ड टू द रिलेटिव इन्फ्लेशन बिटवीन टू कंट्रीज। द फ्यूचर स्पॉट रेट इज द स्पॉट रेट दैट अकर्स एट द एंड ऑफ अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। द करेंसी ऑफ द कंट्री विद द हायर इन्फ्लेशन रेट विल बी फोरकास्ट टू वीकन अगेंस्ट द करेंसी ऑफ द कंट्री विद द लोअर इन्फ्लेशन रेट। Purchasing power parity is based on the law of one price, which suggests that in equilibrium, identical goods should sell for the same price in different countries, allowing for the exchange rate. Purchasing power parity holds in the longer term rather than the short term. ये जरा important concept है। Purchasing power parity, interest rate parity के मुकाबले में long term in nature है। Interest rate parity short term के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। And so is often used to provide long-term forecast of exchange rate movement, for example, in investment appraisal. और अभी हमने ये कहा था कि अगर दोनों equilibrium में आ जाएं, interest rate differential और exchange rate differential अगर दोनों equilibrium में आ जाएं, तो ultimately फिर वो Fisher's equation के जरिए उसको explain करते हैं कि जी एक्सपेक्टेड स्पॉट और फॉरवर्ड जो होंगे वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो बराबर हो जाएंगे। वरना फॉरवर्ड रेट हमेशा अलग होगा क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट पैरिटी पे बेस कर रहा होगा और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट परचेजिंग पावर से आ रहा होगा और वो वेरी कर जाएगा। इन्फ्लेशन में नॉर्मली इंटरेस्ट रेट में नॉर्मली वेरिएशन ज़्यादा आती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो हर क्वार्टर में स्टेट बैंक जो है वो चेंज कर देता है थ्रू इट्स मॉनिटरी पॉलिसी। और लेकिन उस मॉनेटरी पॉलिसी के चेंज होने से इन्फ्लेशन पे कभी अफेक्ट पड़ता है, कभी नहीं पड़ता, लेकिन इंटरेस्ट रेट आर कंटिन्यूसली हर 3 महीने बाद पाकिस्तान के अंदर चेंज हो जाते हैं। अच्छा जी, सो ये फॉरेन एक्सचेंज के बारे में हमने, करेंसी के बारे में कुछ डिस्कशन अपनी कंक्लूड की। थोड़ा सा हल्का सा आइडिया मैं आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का दे रहा हूँ थ्योरी में अगर आ जाता है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का दे रहा हूँ ताकि वो भी क्लियर हो जाए। हम इंटरेस्ट रेट की हल्की फुल्की डिस्कशन करेंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जम करेंगे। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें बायर जो होता है ऑप्शन का, अगर मैं किसी से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदता हूँ तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदने के साथ मेरे पास क्या आता है, आई हैव द राइट टू बाय
और सेल समथिंग बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल समथिंग। अभी जब हम फॉरवर्ड या मनी मार्केट हेजिंग कर रहे थे तो उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने बाय करने का एग्रीमेंट कर लिया, अगर आपने कमिटमेंट कर ली किसी के साथ, तो आप उस कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकते। अब एक्सचेंज रेट अगर आपकी फेवर में चला जाए तब भी पीछे नहीं हट सकते। तो हमने कहा कोई ऐसा तरीका निकालो जिससे अगर एक्सचेंज रेट एडवर्स हो जाए तो मैं अपनी कमिटमेंट को पूरा करूँगा, और अगर एक्सचेंज रेट फेवरेबल हो जाए तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में अपनी कमिटमेंट को पूरा ना करूँ, क्योंकि आई हैव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू डू सो। तो जब हम किसी से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी पे एक्सरसाइज कर लें या कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दें और लैप्स कर दें। हम पोजीशन देखते हैं और हम कब एक्सरसाइज करेंगे। ऑलवेज एक्सरसाइज व्हेन रिजल्ट्स आर एडवर्स, यानी कि आपका रिस्क अगर मटेरियलाइज हो जाए तो आप हमेशा एक्सरसाइज करते हैं, और अगर वो इसके अदर वे अराउंड चला जाए तो कॉन्ट्रैक्ट आप लैप्स कर देते हैं। इसमें पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल समझाऊं, 1 USD इज इक्वल टू PKR 160 में आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ये मैं बाय करूँगा, रेट फिक्स हो गया, PKR मूव हो गया 165, PKR मूव हो गया 155। फॉरवर्ड करते तो दोनों केसेस में आपको करेंसी बाय करनी पड़ती। ऑप्शन में इस केस के अंदर जब PKR बढ़ गया और अप्रिशिएट हो गई फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, जब USD अप्रिशिएट हो गया, रिस्क मटेरियलाइज हो गया, तो जिसके साथ भी मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको कहूँगा लाओ भाई डॉलर दो, एक्सरसाइज कर दो। लेकिन यहाँ फ़ायदा हो रहा है, 160 पे कमिटमेंट की थी लेकिन मार्केट में रेट 155 का हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सरसाइज करने के बजाय लैप्स करूँगा और मार्केट से 155 में जाकर डॉलर बाय कर लूँगा। ऑप्शन में दो तरह के ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन टेलर मेड भी होते हैं, 1-to-1 भी होते हैं, तो इसमें 1-to-1 का एडवांटेज भी है, 1-to-1 के ड्रॉबैक्स भी हैं, और ऑप्शन एक्सचेंज से भी लिए जा सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड, यानी कि आप ऑप्शन एक्सचेंज होते हैं उनमें जाएं और आप वहां से ऑप्शन बाय कर सकते हैं, और डिफरेंट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। ऑप्शन दो तरह के आप बाय और सेल बाय कर सकते हैं, या तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं एक्सचेंज से 1-to-1, या फिर आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों केसेस में बाय ही करेंगे, क्योंकि सेलर जो होता है ना ऑप्शन का, सेलर ऑफ ऑप्शन इज कॉल्ड ऑप्शन राइटर, वो राइटर होता है। आप राइटर नहीं हैं, आप बायर हैं, या तो आप कॉल ऑप्शन के बायर हैं या आप पुट ऑप्शन के बायर हैं। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू बाय समथिंग, तो करेंसी बाय करनी हो तो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन का मतलब है राइट टू सेल समथिंग, तो अगर करेंसी सेल करनी है तो पुट ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। इम्पोर्टर के लिए कौन सा कॉल ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन, और एक्सपोर्टर के लिए होता है पुट ऑप्शन। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की एक फीस होती है जिसको कहा जाता है ऑप्शन प्रीमियम। राइटर जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, राइटर इसलिए कर रहा होता है कि बायर जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को लैप्स करेगा और मुझे प्रीमियम मिल जाएगा मुफ्त में, बिकॉज दिस प्रीमियम इज नॉन रिफंडेबल। ये ऑप्शन की छोटी सी कहानी है। ऑप्शन टेलर मेड भी है, ऑप्शन एक्सचेंज बेस्ड भी है, ऑप्शन में फेवरेबल मूवमेंट का फायदा उठाया जा सकता है। और अगर आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि फॉरवर्ड जो है वो निगोशिएबल नहीं होता, फॉरवर्ड जो है वो ट्रेडेबल नहीं होता, तो आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं थ्रू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट किससे करते हैं,
फ्यूचर एक्सचेंज से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें हमारी काउंटर पार्टी कौन होती है? फ्यूचर एक्सचेंज। अगर मुझे करेंसी खरीदनी है, बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर मुझे करेंसी बेचनी है, सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन करूँगा किसके साथ? जो सामने पार्टी होगी वो दूसरी पार्टी सामने नज़र नहीं आ रही होगी, दोनों पार्टीज़ के बीच में एक्सचेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं डॉलर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो कोई डॉलर मुझे सेल करेगा, लेकिन बीच में कौन है? बीच में क्लियरिंग एजेंट है, एक्सचेंज। इस एक्सचेंज के बीच में होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका डिफ़ॉल्ट रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। आपका डिफ़ॉल्ट रिस्क क्या हो जाता है? मिनिमाइज हो जाता है। एक्सचेंज के होने से डिफ़ॉल्ट रिस्क कैसे मिनिमाइज होगा? एक्सचेंज क्या करता है? एक्सचेंज कहता है दोनों पार्टीज़ को कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो ना, तो आप मुझे मार्जिन दें, आप मुझे एक डिपॉजिट करवाएं एक अमाउंट, जिसको कहते हैं इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट। दोनों करवाएंगे, ज़रूरी है, बायर भी करवाएगा, सेलर भी करवाएगा। उसके बाद डेली बेसिस के ऊपर करेंसी के रेट की मूवमेंट को मॉनिटर किया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, एक पार्टी को नुकसान हो रहा होगा डेली बेसिस के ऊपर, एक पार्टी को फ़ायदा हो रहा होगा। कभी दूसरी पार्टी नुकसान में जाएगी, कभी दूसरी पार्टी फ़ायदे में जाएगी। उस मूवमेंट की बेसिस पे इस प्रोसेस को कहते हैं मार्क टू मार्केट, यानी कि डेली बेसिस के ऊपर रेट का नोट करना। और जो डेली बेसिस के ऊपर चेंज होगा, उसकी बेसिस के ऊपर जिसे लॉस हो रहा होगा उसके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक्सचेंज उससे कहेगा, भाई जितना लॉस हो रहा है ना पर डे के हिसाब से, उतना आप अपने मार्जिन अकाउंट में हमारे पास डिपॉजिट करो, जिसको लॉस हो रहा है उसको। अगर आपने वेरिएशन मार्जिन डाल दिया और कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी पे पहुंच गया और आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर दिया प्रॉपरली, तो ये जो मार्जिन होगा ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो प्रीमियम जो होता है ना वो रिफंडेबल नहीं होता, और मार्जिन जो होता है जैसे टोकन में सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो आपका रिफंडेबल होगा, प्रोवाइडेड दैट दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। रेट वैसे ही इतने होते हैं जैसे फॉरवर्ड में होते हैं, सब कुछ फॉरवर्ड जैसा होता है, बस फ्यूचर में फ़र्क ये होता है कि फ्यूचर एक्सचेंज के साथ होता है और फॉरवर्ड जो होता है वो टेलर मेड होता है, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। और लिमिटेशन क्या है फ्यूचर की? फ्यूचर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आपको अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो लिमिटेड करेंसी में मिलेगा, फिक्स्ड मैच्योरिटी का मिलेगा, आप अपनी मर्जी की मैच्योरिटी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और फिक्स्ड क्वांटिटी में कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप कहें मुझे 1,48,526 डॉलर बाय कर रहे हैं, तो वो कहेंगे भाई ये हम तो 1,50,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, आप या तो 1,50,000 बाय कर लें या फिर छोड़ दें। 1,48,256 कहाँ से लाएं? इसके लिए फिर आपको कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप कहें मुझे 15 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, वो कहते हैं हमारी तो मैच्योरिटी क्वार्टरली होती है, क्वार्टरली आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आप ले लें। आप कहें मुझे बांग्लादेशी टका चाहिए, वो कहेंगे भाई हमारे पास तो 3 मेजर करेंसीज हैं, यूरो, पाउंड और डॉलर, टका कहाँ से लेकर। ठीक है, नुकसान यही है फेवरेबल मूवमेंट का, फेवरेबल मूवमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। आप फेवरेबल मूवमेंट का फायदा नहीं उठा सकते, ये इसका अल्टीमेटली ड्रॉबैक है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और लेट्स मूव टू इंटरेस्ट रेट रिस्क। अच्छा जी, जिस तरह करेंसी के हमारे पास हेजिंग के मेथड हैं, इसी तरह इंटरेस्ट रेट रिस्क के भी हमारे इंटरनल मेथड्स हैं और एक्सटर्नल मेथड्स हैं। लेकिन कैलकुलेशन सिर्फ एक मेथड में पॉसिबल है, वो है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, विच इज़ ऑलमोस्ट अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें थ्योरी आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो थ्योरी आपसे वो पूछ सकता है इंटरनल मेथड्स की,
क्यूरी वो आपसे पूछ सकता है एक्सटर्नल मेथड्स की, और थ्योरी वो आपसे पूछ सकता है टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट एक कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल, जिसको फिजिकली ग्राफिकली एक्सप्लेन किया जाता है थ्रू यील्ड कर्व। ये अगर थ्योरी, क्योंकि थ्योरी आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो अगर वो थ्योरी में जाता है तो अल्टीमेटली वो आपसे इस डायमेंशन के अंदर कोई 5 या 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का अगर लॉन्ग क्वेश्चन में कोई सवाल बना तो वो यहाँ जा सकता है। पास्ट पेपर में एक सवाल आया हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट FRA एंड डिस्कस हाउ अ कंपनी कैन यूज अ FRA टू मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये एक सवाल आया हुआ है इंटरेस्ट रेट रिस्क से रिलेटेड। और एक सवाल आया हुआ है एनालाइज द फॉरेन करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद इंटरेस्ट पेमेंट एंड ब्रीफली डिस्कस हाउ दैट रिस्क माइट बी मैनेज। ये तो हर पेमेंट का केस है। अच्छा, इसके ऊपर जो है आई विल एडवाइस यू कि आप जो हैं वो ACSE की वेबसाइट पे जाएं। टेक्निकल आर्टिकल मैं भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन टेक्निकल आर्टिकल ACSE की वेबसाइट पे आप डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो। तो आप ACSE की वेबसाइट के ऊपर एक टेक्निकल आर्टिकल पढ़ा हुआ है इंटरेस्ट रेट का, अगर वो पढ़ लिया जाए तो वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरेस्ट रेट का आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है, हेजिंग टेक्निक फॉर इंटरेस्ट रेट रिस्क। कुछ चीज़ें हम उसमें से डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये है आपका आर्टिकल, इसमें इसने 3 ये टेक्निक डिस्कस की हुई है, मैचिंग एंड स्मूथिंग, एसेट्स एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, और उसके बाद ये बताया हुआ कॉजेज ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, ट्रेडिशनल एंड बेसिक अप्रोच। मैचिंग एंड स्मूथिंग, मैचिंग बताई भी, ये इंटरनल मेथड, स्मूथिंग इज एन इंटरनल मेथड, मैचिंग इज एन इंटरनल मेथड, ये भी डिस्कस करते हैं। और उसके बाद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मैनेजमेंट, फिर उसके बाद एक्सटर्नल मेथड्स आ गए, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट ये इसने एक्सप्लेन किया, एक एग्जांपल बताई है, और इसी एग्जांपल को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसके साथ साथ उसने इंटरेस्ट रेट के और तरीके बताए, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट कैप्स, फ्लोर्स एंड कॉलर्स, इंटरेस्ट रेट। सो अभी सब थ्योरी में आपको पता होने चाहिए थोड़े थोड़े, बस मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं। ये आर्टिकल बहुत एक्सटेंडेड लिखा हुआ है एग्जामिनर ने, इतना एक्सटेंडेड आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि बस ये किस तरीके से काम करते हैं, कैप क्या होता है, फ्लोर क्या होता है, कॉलर क्या होता है, स्वैप अगर अरेंजमेंट बनती है तो वो स्वैप अरेंजमेंट किस तरीके से की जा सकती है। तो सबसे पहले तो मैं 2 टर्मिनोलॉजी इसमें एक्सप्लेन करके फिर FRA पे जम करता हूँ, इसको फिर आप रीड करो अकॉर्डिंगली। देखें इंटरनल मेथड्स में, अच्छा उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटरेस्ट रेट रिस्क है क्या। इंटरेस्ट रेट रिस्क है क्या, फॉर एग्जांपल हम एक बोरोवर की एग्जांपल लेते हैं, बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। एक बंदा है, उसने लोन लिया हुआ है या उसे लोन लेना है, तो बोरोवर को ये फील होता है, बोरोवर जो है ना वो फिक्स रेट पे भी लोन ले सकता है और बोरोवर जो है वो वेरिएबल रेट पे भी लोन ले सकता है। वेरिएबल हमारे पास 100% वेरिएबल नहीं होता, इसमें नॉर्मली बैंक नहीं काम करते, वो होता है काइबोर प्लस पाकिस्तान में, और इंटरनेशनली वो होता है लाइबोर प्लस। काइबोर इज स्टैंड फॉर कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, लाइबोर इज लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। ये मनी, ये 2 बैंकों के दरमियान इंटर बैंक लेंडिंग रेट होता है, इंटर बैंक बोरिंग एंड लेंडिंग रेट होता है, और इसको बेंचमार्क बनाया जाता है, ये वेरिएबल रेट होता है, ये चेंज होता रहता है, और ये नॉर्मली डेली बेसिस के ऊपर स्टेट बैंक के रेट के हिसाब से ये चेंज हो रहा होता है। तो अगर एक बोरोवर, फॉर एग्जांपल एज्यूमिंग दैट एक बोरोवर जो है वो वेरिएबल रेट पर लोन लेना चाहता है या उसने वेरिएबल रेट के ऊपर लोन लिया होगा, तो बोरोवर को ये रिस्क फील होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला, और बोरोवर उस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज को हेज करने की कोशिश करेगा। सवाल ये पैदा होता है फिक्स रेट पे क्यों नहीं ले रहा,
तो हो सकता है कि इनिशियली उसने वेरिएबल पे ले लिया हो सकता है कि उसकी कोई और इशू हो, वेरिएबल सस्ता मिल रहा हो जिसकी वजह से उसने वेरिएबल पे ले लिया। अब उसे ऐसा लग रहा है कि वेरिएबल इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, तो बोरोवर अपने आप को हैच करने के लिए इंटरेस्ट रेट को लॉक करने की कोशिश करेगा, ताकि अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाएँ तो अल्टीमेटली उसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। सिमिलरली अगर फिक्स रेट पे आपने बोरोइंग की हुई है तो आपका इंटरेस्ट रेट तो फिक्स ही रहेगा। अब आपका रिस्क उल्टा है, इंटरेस्ट रेट गिर ना जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर गए तो आप अल्टीमेटली क्योंकि फिक्स पर हैं तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ये इसका रिस्क हो गया। अब बोरोवर इसको हैज करने के लिए इंटरनल मैथड्स और एक्सटर्नल मेथड्स के ज़रिए हेजिंग के टूल करेगा, जिसमें से एक टूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैचिंग एंड स्मूथिंग। ये क्या होती है? देखें जी, मैचिंग एंड स्मूथिंग क्या होती है? स्मूथिंग क्या होती है? स्मूथिंग, अच्छा जी, इन दिस सिंपल अप्रोच टू इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट the loans or deposit are simply divided so that some are fixed and some are variable. kya karte hain smoothing mein, hum kya karte hain, apna loan ki example le lo, sirf loan ki example le lo, aapne 10 million ka loan liya hua, to kuch loan aap fix pe le le, kuch loan aap variable pe le le, sara loan fix pe na le, sara loan variable pe na le, to agar humne loan liya, interest rate badh gaya, कुछ हमने फिक्स पे भी लिया हुआ है, कुछ वेरिएबल पे भी लिया हुआ है, तो जो वेरिएबल वाला लोन होगा वो एक्सपेंसिव हो जाएगा और जो फिक्स वाला होगा वो अल्टीमेटली आपने क्योंकि ऑलरेडी लॉक किया हुआ होगा तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो एज ए रिजल्ट ये ऑटोमेटिक हेजिंग हो रही होगी। तो ये आइडियल तरीका है कि आप कुछ बोरिंग वेरिएबल पर रखें, कुछ बोरिंग फिक्स पर रखें, ताकि ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से या इंटरेस्ट रेट के कम होने से स्मूथ आउट हो जाए। स्मूथ आउट का मतलब होता है फ्लक्चुएशन बैलेंस हो जाए। मैचिंग क्या होती है? मैचिंग ये होती है कि आपके पास लोन भी होना चाहिए और डिपॉजिट भी होना चाहिए। अभी ज़रूरी नहीं कि कंपनी के पास लोन भी हो डिपॉजिट भी हो, खास तौर पर अगर कंपनी कैश फ्लो क्राइसिस के अंदर है तो लोन तो होगा, डिपॉजिट कहाँ से लेकर आएगी। लेकिन कुछ कंपनी बोरो कर रही होती हैं फॉर द सेक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो उनके पास लोन भी होता है और उनके पास डिपॉजिट भी होता है। तो वो कहते हैं मैचिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने एसेट्स को यानी कि अपने डिपॉजिट्स को और अपनी लाइबिलिटीज़ यानी कि अपने लोन को एक ही इंटरेस्ट रेट के अंदर रखें। जितने ये दोनों अमाउंट क्लोज होंगे उतना अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका डिपॉजिट रेट चल रहा है लाइबोर प्लस 1 और बोरिंग रेट है लाइबोर प्लस 4 और आपने 5 लाख का डिपॉजिट किया हुआ है और 5,20,000 का बोरो किया हुआ है, सही है? तो एज्यूम कर लें कि लाइबोर रेट जो है ना वो 3% पे चला गया, तो आपका जो डिपॉजिट है अल्टीमेटली और जो आपकी बोरिंग है वो अल्टीमेटली नेट ऑफ हो जाएगी और आपको नॉमिनल सा फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू कैन चेक दिस कैलकुलेशन सब्सीक्वेंटली। अच्छा, अब आ जाते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के ऊपर। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट ये एक्सटर्नल का पहला मेथड। एज्यूम कर लें आज डेट है 15 नवंबर 2019, आज 15 नवंबर 2019 है, एक कंपनी है
उसे 3 महीने बाद 6 महीने के लिए लोन लेना है। 3 महीने बाद 6 महीने के लिए लोन लेना है। तो 3 महीने बाद लेना, इसलिए मैंने पहले 3 लिखा, और 6 महीने के लिए लेना है तो 3 प्लस 6 9 हो गए। 2 महीने बाद लोन लेना है, 3 महीने के लिए लोन लेना है। ये हो गई ड्यूरेशन, ये हो गई ड्यूरेशन बीच की 6 महीने। यानी कि आज मैं FRA में एग्री करूंगा और वो FRA फाइनली 9 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 3 महीने वेटिंग टाइम और 6 महीने का लोन। बैंक ने आपको कहा 8% पे FRA होगा, यानी कि आप बैंक से कह रहे हैं कि इंटरेस्ट कुछ भी हो जाए मैं आपको 8% पे करूंगा FRA बैंक को। अगर इंटरेस्ट रेट 8 से ज़्यादा हो गए तो FRA बैंक मुझे पे करेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो IL पे FRA बैंक, क्योंकि मैंने 8% पे कमिटमेंट की है। 8 से ना मैं ज़्यादा दूंगा, 8 से मैं ना मैं कम दूंगा। 10 मिलियन में किसी और बैंक से बोरो करूँ या करूँगा, लेकिन FRA मैंने किसी और बैंक से बोरो करके 8% पे कमिटमेंट करके। अब देखें सिचुएशन, फॉर एग्जांपल सिचुएशन ए, इंटरेस्ट रेट मूव टू 10%। सिचुएशन बी, इंटरेस्ट रेट मूव टू 7%। तो ये FRA किस तरह से काम करेगा ये हम एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट सपोज टू बी 10%। देखें आप अपनी ओरिजिनल बोरिंग पे 6 महीने का लोन देंगे बैंक को, और वो बनेगा 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10%, क्योंकि मार्केट रेट 10% हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये बनेगा आई गेस, हम इसे कैलकुलेट कर लें, दस मिलियन पॉइंट 10 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 0.5 मिलियन। अच्छा रेट बढ़ गया तो FRA बैंक मुझे कंपनसेट करेगा 2%, 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 2% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, 2, 8 माइनस 10, क्योंकि कमिटमेंट किसके ऊपर हुई हुई है, 8 के ऊपर। तो हमारा 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.02 डिवाइडेड बाय 2, 0.1 मिलियन मुझे कंपनसेशन मिल जाएगी FRA बैंक से। तो मेरा अफेक्टिव इंटरेस्ट कितना हुआ, ये अफेक्टिव इंटरेस्ट अल्टीमेटली बनता है 8%। अगर 8% के हिसाब से निकालेंगे तो 0.4 बनता है। और अगर इंटरेस्ट रेट चले जाते हैं 7% के ऊपर तो मुझे तो 8% ही देना है। तो मैं अपने ओरिजिनल बैंक को इंटरेस्ट दूंगा 7% के हिसाब से, 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 7% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया 0.35 मिलियन, आई गेस इट्स 0.35 मिलियन। चेक कर लेते हैं, 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.07 डिवाइडेड बाय 2, 3.5, 0.35। और मैं 1% पे टू FRA को दूंगा डिफरेंस जो है, ताकि ये 8 हो जाए। तो 10 × 0.01 / 2, 0.05, 0.35 + 0.05, ये हो गया 0.4, विच इज अफेक्टिवली 8%। तो FRA इज अ टूल जिसके जरिए बोरोवर अपने आप को इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट से बचा सकता है। सिमिलरली डिपॉजिटर अपने आप को डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट से बचा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी वही मुसीबत है, फेवरेबल मूवमेंट का फायदा नहीं उठा सकते हम। अपने आप को बोरोवर एडवर्स रेट से प्रोटेक्ट कर सकता है, डिपॉजिटर एडवर्स रेट से प्रोटेक्ट कर सकता है,
फेवरेबल मूवमेंट का फायदा नहीं उठा सकते क्योंकि ये टेलर मेड होता है, कस्टमाइज होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं होता। अब इसमें ऑल्टरनेट ऑप्शंस मौजूद हैं। एक ऑप्शन मौजूद है आपके पास कि आप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कर लें, एक ऑप्शन मौजूद है कि आप इंटरेस्ट रेट ऑप्शन ले लें, एक ऑप्शन मौजूद है कि आप इंटरेस्ट रेट गारंटी कर लें, फॉरवर्ड पे FRA पे ऑप्शन ले लें, और एक तरीका है कि आप कैप परचेज कर लें, एक तरीका है फ्लोर परचेज कर लें, एक तरीका ये है कि आप वो ले लें। अब इसके लिए आप ये आर्टिकल ज़रा डिटेल में पढ़ सकते हैं, पढ़ के इसकी थ्योरी इसमें डिस्कस कर लेंगे क्या होता है। मैं एक थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट और डिस्कस कर लेता हूँ, IRG इंटरेस्ट रेट गारंटी, विच इज़ एन ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट गारंटी IRG, इट्स एन इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, ऑप्शन टू एंटर इनटू एन FRA, यानी कि मैं FRA नहीं ले रहा, मैं FRA खरीदने के ऊपर ऑप्शन ले रहा हूँ। तो सपोज FRA चल रहा है 8% के ऊपर, तो मैंने आउटराइट FRA नहीं खरीदा बल्कि मैंने FRA खरीदने का राइट ले लिया। अब अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट 10% पे चले जाते हैं तो FRA तो आइडियल है ना इसके लिए, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट 6% पे चले जाते हैं तो FRA तो बेकार हो गया। तो अगर मैं डायरेक्ट FRA करता तो दोनों केसेस में मुझे कमिटमेंट करनी पड़ती, अगर मैं ऑप्शन लूँगा FRA के ऊपर और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूँगा, यानी कि FRA कॉन्ट्रैक्ट में इन हो जाऊँगा, और अगर ये हुआ तो ऑप्शन को लैप्स कर दूँगा, यानी कि नो मोर FRA कॉन्ट्रैक्ट, और जाकर नॉर्मल 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दूँगा। ये कहलाती है इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट गारंटी, या एन ऑप्शन इनटू ऑन FRA। चलिए जी, मेरी तरफ से रिस्क मैनेजमेंट की डिस्कशन हमने यहाँ पर कर ली कंक्लूड, क्योंकि ऑब्वियसली हम क्रैश कर रहे हैं तो हमें सारे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, तो जो लाइकलीहुड है, जो कोर एरियाज हैं जो आते हैं एग्जाम में, उन पर हम फोकस करते हुए चल रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा एजेंडा है, वी आर गोइंग टू डिस्कस एक और छोटा टॉपिक, विच इज बिजनेस वैल्यूएशन। छोटा सा टॉपिक है, कभी कभार इसमें थ्योरी आ जाती है, कभी कभार इसमें कैलकुलेशन आ जाती है, मिलता जुलता टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से काफ़ी सिमिलर है, तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या मसाइल है। उससे पहले मैं फिर दोबारा, क्योंकि आई टोल्ड यू थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स सी पास्ट पेपर में बिजनेस वैल्यूएशन के बारे में कौन सी थ्योरी आई। एक टॉपिक है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, EMH, या स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी। बिजनेस वैल्यूएशन में थ्योरी में एग्जामिनर को वही पसंद है, वही बार बार पूछता है। देखते हैं, पहला थ्योरी में पार्ट आया किसी पास्ट पेपर में, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब थ्री फॉर्म्स ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, थ्री फॉर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, 6 नंबर। चलें आगे बढ़ें, डिस्टिंग्विश बिटवीन ये तीन फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी जो ऊपर पूछी है, नीचे पूछ ली उसने, ये तीन फॉर्म्स पूछ ली, एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंस टू अ लिस्टेड कंपनी इफ स्टॉक मार्केट ऑन विच शेयर्स आर ट्रेडेड इज शोन टू बी अ सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट। वही सवाल थोड़ा सा एक्सटेंड करके पूछ लिया। अच्छा जी, ये यहाँ गलत दिया हुआ है, अगला पार्ट, ये जर्नल पहले दूसरे चैप्टर में जो प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स उससे रिलेटेड है। अच्छा, डिस्कस द रिलेटिव मेरिट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड अर्निंग यील्ड मॉडल एज अ वे ऑफ वैल्यूइंग कंपनी। ये मेथड्स की मेरिट्स पूछ ली है। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट, सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट, कैपिटल स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट, एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ EMH फॉर द फाइनेंस मैनेजर, 8 नंबर दोबारा। तो अगर इसे पास पेपर से एक दफ़ा पढ़ लिया जाए एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को अच्छे तरीके से, तो आपको पेपर में लाइकली चांसेस हैं कि अगर उसने कभी गलती से थ्योरी पूछ ली एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की, तो आपकी बचत हो जाएगी वहाँ से, और आप आराम से जो है ना उसको ईजिली टैकल कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह आपको एक आर्टिकल बताया गया इंटरेस्ट रेट का, इसी तरीके से एक अदद बिजनेस वैल्यूएशन का आर्टिकल भी मौजूद है एग्जामिनर की वेबसाइट में, वो आप बिजनेस वैल्यूएशन का आर्टिकल वहाँ से
देख सकते हैं, मैं ड्राइव पे अपलोड भी कर दूंगा उसको, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा आर्टिकल है, उससे काफ़ी चीज़ें वहाँ से उठाई जा सकती हैं, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने एजेंडा पे और देखते हैं आज हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है उसमें हम कितना बिजनेस वैल्यूएशन डिस्कस कर पाते हैं। देखें जी, बिजनेस वैल्यूएशन का मतलब है आप किसी कंपनी की इक्विटी वैल्यूएशन करें या आप किसी कंपनी की डेट को वैल्यू करें। यहाँ पर आपको डेट वैल्यूएशन का टॉपिक कवर करना होगा कि इसमें नॉर्मल डेट की वैल्यूएशन, सिंपल डेट की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिंपल डेट की प्राइस कैसे निकालते हैं, कन्वर्टेबल डेट की प्राइस कैसे निकालते हैं, तो डेट की वैल्यूएशन आ सकती है। ये इक्विटी की वैल्यूएशन मर्जर एंड एक्विजिशंस में की जाती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करने जा रही है तो उसे टेक ओवर करने के लिए प्राइस लगानी है उसके ऊपर। वो उसकी इक्विटी ख़रीदना चाह रहे हैं, नेट एसेट्स ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर प्राइस कैसे लगाई जाए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है कि उसकी इक्विटी को ख़रीदने के लिए प्राइस कैसे लगाई जाए। तो सवाल ये पैदा होता है, जिस कंपनी को हम ख़रीदने जा रहे हैं क्या वो पब्लिक कंपनी है या एक प्राइवेट कंपनी है? क्योंकि इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी को ख़रीदने जा रहे हैं या आप एक प्राइवेट कंपनी को ख़रीदने जा रहे हैं। पब्लिक कंपनी का जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास एक्सेसिबल होती है। किसकी इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा अवेलेबल होता है, गूगल करें किसी भी कंपनी का निकाल लें इंटरनेशनली, सही है। उसकी शेयर प्राइस की हिस्ट्री आपके पास अवेलेबल होती है, करंट मार्केट प्राइस आपके पास अवेलेबल होती है। तो अगर एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी की आज की वर्थ निकालनी है तो बड़ा आसान सा काम है। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि आज हबीब बैंक की शेयर प्राइस अल्टीमेटली क्या रही, तो उसकी बेसिस पर उसकी वैल्यूएशन क्या है, तो एक तरीका है जिसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप गूगल करें आज यूनिलीवर की US स्टॉक के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या रही, तो आपको दे देगा मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल के, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय करंट शेयर प्राइस जो स्टॉक मार्केट में चल रही थी, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाती है। लेकिन ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये ट्रू वैल्यू नहीं होती, ये ट्रू वैल्यू नहीं है, ये वो वैल्यू है जो बायर्स और सेलर्स आपस में लड़ रहे हैं ना स्टॉक मार्केट में, उनके दरमियान जो आ रही है वो है ट्रू वैल्यू, ये नहीं आती। एंड वी आर लुकिंग फॉर द ट्रू वैल्यू जिसको हम फेयर वैल्यू कहते हैं। दिस इज नॉट अ फेयर वैल्यू। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक में भी निकालते हैं हम किसी भी शेयर्स की मार्केट वैल्यू, डेट की मार्केट वैल्यू, तो ये स्टॉक मार्केट से भी निकल सकती है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं निकल सकती, प्राइवेट कंपनी का डेटा आपको नहीं मिलेगा, कहाँ से लेकर आएंगे। सो पॉइंट इज दैट कि मर्जर एंड एक्विजिशन में पब्लिक कंपनी को वैल्यू करना कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को वैल्यू करना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो एग्जामिनर आपको ज़्यादातर ये दे सकता है कि भाई एक प्राइवेट कंपनी है उसको वैल्यू करें। तो हमें वैल्यूएशन में मेथड्स पता होने चाहिए। हमारे सिलेबस में वैल्यूएशन के, इक्विटी वैल्यूएशन के तीन मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारे पास नेट एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, तो वो आपसे नेट एसेट की वैल्यू पूछेगा, इस बेसिस पे बताएं वैल्यू कितनी है। दूसरा है हमारे पास अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन, वो कहेगा इसकी बेसिस के ऊपर बता दें वैल्यू कितनी है। और तीसरा है कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन, वो कहेगा इसकी बेसिस पे निकाल के देते हैं कि वैल्यू कितनी है। तो एक टिपिकल सवाल जो आता है 10 नंबर का, उसके अंदर तीनों मेथड से आंसर निकाल दें। और इसके बाद नेट एसेट्स में भी वैरायटी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, उससे आंसर अलग आता है। NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उससे आंसर अलग आता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, उससे आंसर अलग आ रहा होता है। तो एग्जामिनर कोई भी एक सिंगल मेथड पूछ सकता है। अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन में हमारे पास PE रेशियो बेस्ड वैल्यूएशन और अर्निंग यील्ड वैल्यूएशन, ये एग्जामिनर पूछता है जो हमारे सिलेबस में।
और यहाँ पर हमारे पास डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले चैप्टर में भी है, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF, इससे सवाल पूछा जा सकता है। अब आपको डिफरेंट, पहले तो कैलकुलेशन सीखनी है कि नेट एसेट से आंसर कैसे निकालते हैं, अर्निंग बेस से आंसर कैसे निकालते हैं, फिर इनके रिलेटिव मेरिट्स और डी मेरिट्स पे काम करना। थ्योरी जो है वो यही आती है कि जी नेट एसेट्स के ड्रॉबैक्स बता दें। आप स्टूडेंट को क्या पता ड्रॉबैक्स के, मुझे कभी ज़िंदगी में थ्योरी पढ़ने की जहमत नहीं की, वो ड्रॉबैक्स कहाँ से लेकर आएगा। पी रेशो के बेनिफिट्स बता दें, नो आइडिया। DVM की लिमिटेशन बता दें, उसे पता ही नहीं है कि DVM की लिमिटेशन क्या। उसे DVM के जरिए शेयर प्राइस निकालना आती है, लेकिन उसे DVM की तीन लिमिटेशंस नहीं पता। अगर उससे पूछ लिया जाए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की अजम्पशंस क्या है, उसे अजम्पशंस नहीं पता होंगी तो फंस जाएगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस की लिमिटेशन बता दें, नहीं पता होंगी। मॉडिगलानी एंड मिलर की अजम्पशंस बता दें, नहीं पता होंगी। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की लिमिटेशन बता दें, वो उसे नहीं पता होंगी। तो इन्हीं थ्योरेटिकल चीज़ों पे काम करेंगे तो एग्ज़ाम में हम थ्योरी में से जो 40-50% की थ्योरी होगी उसमें से मैक्सिमम मार्क्स हम निकाल के अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। चलिए जी, नेट एसेट बेस्ड वैल्यूएशन पे चलते हैं। नेट एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, नेट एसेट बेस्ड वैल्यूएशन का ताल्लुक होता है बैलेंस शीट से। यानी कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप एक कंपनी का जो वैल्यूएशन है ना, वो लेकर आए बैलेंस शीट से। तो आप सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि क्या बैलेंस शीट अप टू डेट होती है, क्या बैलेंस शीट एक्यूरेट होती है, क्या बैलेंस शीट में सब कुछ होता है, क्या बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, क्या बैलेंस शीट में नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। ये मैंने सारी आपको लिमिटेशंस बताई, ये सारी चीज़ें तो नहीं होती बैलेंस शीट में। फिर भी हम कहते हैं चलो एक काम करते हैं, मिनिमम वैल्यू के लिए तो सही है ना, मिनिमम वैल्यू तो यहीं से आएगी ना, मिनिमम वैल्यूएशन के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम इससे कम पे तो ना बेच दें कंपनी को किसी को। क्योंकि अक्सर कंपनी खरीदने वाली या जो बेचने वाली होती हैं वो या तो अंडर वैल्यूड बिक जाती हैं या ओवर वैल्यूड बिक जाती हैं। तो हम यही चेक करने जा रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए। तो नेट एसेट बेस में जनरल फॉर्मूला क्या है, किसी भी कंपनी की वैल्यू निकालने के लिए हम नेट एसेट्स निकाल लेते हैं। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, ये इक्विटी के बराबर आ गए, या डायरेक्ट आप इक्विटी ले लें उसकी। और पर शेयर वैल्यू चाहिए तो हम डिस्कस कर रहे थे नेट एसेट्स अगर हमें कैलकुलेट करने तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, या इक्विटी ले लें डायरेक्ट, या फिर अगर पर शेयर वैल्यू निकालनी है तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज को डिवाइड कर दिया जाए नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। सवाल ये पैदा होता है कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आपको लेनी है वो डेटा कहाँ से आएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया तीन चीज़ें हैं हमारे पास डेटा की, या तो हम जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है वही ले लें विच इज़ हिस्टोरिकल, या हम उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करें और उसको NRV पे लेकर आए एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, या फिर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रिप्लेसमेंट कॉस्ट इस्तेमाल करें। क्योंकि बैलेंस शीट जो बनी हुई होती है नॉर्मली वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे तो नहीं बनती कभी भी, लेकिन बैलेंस शीट में बाज़ दफ़ा इन्वेंट्री NRV पे आई हुई होती है, कुछ एसेट्स NRV पे आ सकते हैं। तो नॉर्मली बैलेंस शीट में बाज़ दफ़ा रिवैल्यूएशन भी हुआ हुआ होता है। तो अगर हमें वो कहता है हिस्टोरिकल बेसिस पे निकालें तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे बैलेंस शीट में, और अगर कहता है NRV पे निकालें तो हम अपने एसेट्स की NRV फाइंड आउट करेंगे। NRV सवाल में गिवन होगी, उसको सिर्फ एडजस्ट करना है। अगर वो कहता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे निकालें तो हम देखेंगे कि इसी तरीके का बिजनेस अगर आज सेटअप किया जाए तो उसकी एसेट की कॉस्ट कितनी होगी, वो भी एग्जाम में हमें बताएगा, हमें निकालनी नहीं है। हमने अपने एसेट्स की NRV या रिप्लेसमेंट कॉस्ट गिवन मिलेगी, हमें सिर्फ एसेट्स को अपडेट करना है और उसके बाद उसकी वैल्यूएशन करनी है। तो बहुत सिंपल सा काम है।
अच्छा, नेट एसिड बेस मेथड में ये तो ड्रॉबैक मौजूद है कि हिस्टोरिकल डेटा होता है, और लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स अक्सर कंपनीज के पास जो मौजूद होते हैं वो होते हैं इंटरनली जनरेटेड। अब प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, IS-38 फॉलो कर रही है, तो IS-38 हमें कहता है कि कुछ इंटरनली जनरेटेड एसेट्स जो होते हैं वो तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ आप बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मसलन इंटरनली जनरेटेड ब्रांड नेम, गुडविल, पब्लिशिंग टाइटल्स, कस्टमर लिस्ट, कुछ ऐसे इंटरनली जनरेटेड एसेट होते हैं जिनको IS प्रोहिबिट करता है। तो अगर एक कंपनी के पास लाइन लगी हुई है इंटरनली जनरेटेड एसेट की और वो परचेज नहीं है या वो इंटरनली जनरेटेड नहीं है जो कैपिटलाइज हो सकते हैं, तो कंपनी तो वैसे ही अंडर वैल्यूड हो गई इन टर्म्स ऑफ नेट एसेट्स। तो इसका तोड़ क्या है? इसका सोल्यूशन ये होता है कि वो कंपनीज क्या करती हैं, अपने इंटेंजिबल को वैल्यू करवाती हैं, वो अपनी इंटेंजिबल की सेपरेटली वैल्यूएशन करवाती है। जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सी के पास अपना ब्रांड नेम है पेप्सी। अब अगर पेप्सी का वो अपना खुद का ब्रांड नेम है तो इंटरनली जनरेटेड हुआ, तो वो तो बैलेंस शीट में नहीं कैपिटलाइज हो सकता है। अब पेप्सी को कोई ख़रीदने आया कंपनी को, तो पेप्सी ने कहा एक जब रुको ज़रा हम पेप्सी के ब्रांड नेम को आज वैल्यू करवा लेते हैं, ये कितने करोड़ अरबों डॉलर का है, उसके बाद आपको प्राइस बता देंगे। तो वो क्या करते हैं, वो इसको वैल्यू करते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन करते हैं नॉर्मल मेथड से, और उसके अंदर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन डालते हैं और आपको कहते हैं जी हमारी कंपनी देख इतने मिलियन की रही है, लेकिन अफेक्टिवली हमारी कंपनी इतने मिलियन की तो नहीं है, और वो आपसे उसकी वैल्यूएशन मांग लेते हैं कि ये प्राइस दोगे तो बेचेंगे वरना नहीं देंगे। ये हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है, लेकिन आप थ्योरी में लिख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है कि इंटेंजिबल एसेट नहीं होते तो अंडर स्टेट, ये सब लिख सकते हैं थ्योरी के अंदर। तो हम सिर्फ नेट एसेट की बेसिस के ऊपर इसको वैल्यू कर लेते हैं, विच इज़ वेरी इजी, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा पास्ट पेपर का सवाल है, December 2012, मस्ट रिकमेंडेड टू सॉल्व, लेकिन पास्ट पेपर से करना है क्योंकि किट में मॉडिफाई हुआ होगा। अब इसके अंदर एक कंपनी को हम टेक ओवर करने जा रहे हैं और जो मेथड दिए हुए ना, देखें यहाँ मेथड क्या स्पेसिफाई हुए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कंपनी यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी सीखा हमने, नेट एसेट का कौन सा मेथड इस्तेमाल हो रहा है, लिक्विडेशन, लिक्विडेशन कहते हैं NRV को, लिक्विडेशन मेथड। अब उसके लिए मुझे बैलेंस शीट चाहिए, ये उसने मुझे बैलेंस शीट उठा के दे दी, नॉन करंट एसेट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, लेकिन ये बैलेंस शीट मॉडिफाई करनी है, तो नीचे उसने मुझे ये डेटा दे दिया लिक्विडेशन का या NRV का। आप अपनी ऊपर वाली बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को चेंज करें और उसके बाद टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दें, तो आपके पास नेट एसेट की वैल्यूएशन का आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इस बेसिस के ऊपर इसी सवाल को देखें तो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स दिए हुए 91 के, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री दी हुई 3.8, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ रेलिवेंट डेटा बैलेंस शीट। ये हमारा रेलेवेंट पास्ट पेपर का डेटा आ गया, ये आ गया, और उसका जो रेलेवेंट सवाल था, जो एडिशनल डेटा था वो भी ले लेते हैं। अब ये देखें लिक्विडेशन मेथड दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि जो लिक्विडेशन मेथड से नेट एसेट की वैल्यू निकालें, तो हम निकाल लेते हैं लिक्विडेशन मेथड से। ये आपके पास ये डेटा आ गया, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज करने, इन्वेंट नॉन करंट एसेट कितने दिए हुए 91 मिलियन के, वो कह रहे हैं द एक्सपेक्टेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट इज 86 मिलियन। तो हमने नॉन करंट को 91 की जगह ले लिया 86, और इन्वेंट्री की वैल्यू है 4.2, यहाँ दी हुई है 3.8, तो हमने इन्वेंट्री को ले लिया 4.2। रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स के बारे में कह रहे हैं कि इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन
ओनली 80% ऑफ वैल्यू इज टू बी रियलाइज. तो हमने 4.5 मिलियन का 80% निकालना है और वो आ जाता है 3.6. ये हमारे टोटल एसेट्स आ गए. इनको प्लस कर लिया, 86 प्लस 4.2 प्लस 3.7, 93.8. और इसमें से लाइबिलिटीज माइनस कर दी नॉन करंट 25 की और करंट 7.1 की. तो लाइबिलिटीज माइनस हो गई 25 प्लस 7.1. लाइबिलिटीज की लिक्विडेशन वैल्यू वही है सेम, इसमें कोई चेंज नहीं. 32.1 माइनस हो गया 32.1. तो इट्स 32.1. तो 93.8 में से हमने 32.1 माइनस किया तो ये आंसर आ गया 61.7. ये नेट एसेट वैल्यू आ गई किस बेसिस के ऊपर? ये आ गई लिक्विडेशन मेथड के ऊपर. अगर हम हिस्टोरिकल पे देखें तो यहाँ अगर वो हिस्टोरिकल से कहता तो हिस्टोरिकल से मैं कहता 91 प्लस 8.3 99.3. लाइबिलिटीज आ गई 32.1. तो 99.3 माइनस 32.1 67.2. ये ज़्यादा आ रही है, वो कम आ रही है. तो हम कहेंगे कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड ये मेरी मिनिमम वैल्यू है. इससे कम पे तो मैं कंपनी किसी सूरत नहीं बेच सकता क्योंकि इस पे तो मैं हर एसेट को अगर अलग अलग भी बेचूंगा ना तो 61.7 तो रियलाइज हो ही जाएंगे. तो जब आपको कोई ख़रीदने आएगा तो आप बोलेंगे भाई नेट एसेट की बेसिस पर 61.7 है या 67.2 है, अभी इसमें इंटेंजिबल भी मौजूद नहीं है और हम कंपनी को गोइंग कंसर्न पे बेचेंगे, फ्यूचर में बेचेंगे, ब्रांडिंग भी है, सब कुछ भी है, तो हम आपको बेचेंगे तकरीबन मोर देन 100. दूसरे मेथड से भी आंसर निकालेंगे, मिनिमम का आंसर निकालेंगे, मैक्सिमम का आंसर निकालेंगे और उसके बीच में लाकर अपनी वैल्यू को बेचेंगे. ये तरीका होता है नॉर्मली नेट एसेट्स से कंपेयर करने. तो नेट एसेट्स में तीनों मेथड में हम आंसर इजीली निकाल सकते हैं, मसला नहीं. जो अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन है ये थोड़ी सी ट्रिकी है. अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन में सबसे अच्छा मेथड है, सबसे कॉमन मेथड है, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो. प्राइस टू अर्निंग रेशियो किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी की हर वक्त स्टॉक एक्सचेंज से निकाली जा सकती है. कैसे निकालेंगे? अगर मैं कहूँ जी PSO की प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताएं कितनी है, तो हम शेयर प्राइस लेंगे आज के दिन की और उसको EPS से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. तो आपको पता लग जाएगा कि जी जो शेयर प्राइस है वो कितने EPS पे ट्रेड हो रही है. मसलन फॉर एग्जांपल आपकी शेयर प्राइस चल रही है $5 की और आपकी EPS है 1, तो हम कहेंगे कंपनी की जो PE रेशियो है वो है 5 times. क्या मतलब है इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो शेयर है वो 5 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, अर्निंग के 5 गुना ज़्यादा वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है. तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जिस कंपनी का PE ज़्यादा होता है वो अच्छी कंपनी होती है, बुरी कंपनी होती है. वो अच्छी कंपनी होती, ग्रोइंग कंपनी होती, तभी तो शेयर होल्डर्स कंपनी में स्टे कर रहे हैं. और स्टे करने का मतलब होता है बायर ज़्यादा है और सेलर कम है, तो अल्टीमेटली ग्रोथ ज़्यादा होती है, कम अर्निंग के ऊपर ज़्यादा पैसा मिल रहा होता है, ज़्यादा रिटर्न मिल रहा होता है अल्टीमेटली. अब आप एक बात ध्यान में रखें कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी की PE तो अवेलेबल होगी, प्राइवेट की PE अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि उसकी शेयर प्राइस अवेलेबल नहीं होती. लेकिन अगर कोई कहे कि हमने वैल्यू किया प्राइवेट को, उसकी PE निकाल ली, तो ये बात याद रखेंगे पब्लिक की PE हमेशा प्राइवेट की PE से ज़्यादा बनेगी. ऐसा हो नहीं सकता कि प्राइवेट की PE और पब्लिक की PE बराबर हो जाए. तो जब हमें किसी प्राइवेट कंपनी को, जब हमें किसी पब्लिक कंपनी को वैल्यू करना हो तो हम कैसे वैल्यू करेंगे? अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन से. अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन में जो PE रेशियो मेथड है उसके अंदर वैल्यूएशन करने का तरीका ये होता है कि आप
वैल्यूएशन अगर आपको करनी है तो आप कंपनी का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट लें, यानी कि उसकी अर्निंग्स लें और उसको पीई रेशो से मल्टीप्लाई करें, तो कंपनी की वैल्यूएशन आ जाएगी। अच्छा, एग्जिस्टिंग कंपनी की एग्जिस्टिंग पीई नहीं लेते, बल्कि हम क्या लेते हैं, या तो हम फॉरवर्ड पीई लेते हैं या हम इंडस्ट्री का पीई लेते हैं या हम कॉम्पिटिटर का पीई लेते हैं। अपनी कंपनी का पी लेंगे तो वही शेयर प्राइस आएगी जो आज चल रही होगी, तो ये लेते हैं। और अर्निंग अपनी लेते हैं जो कि करंट भी हो सकती है और फोरकास्टेड अर्निंग भी हो सकती है। आइडियली तो अगर हम किसी कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं तो उसमें अर्निंग क्या होनी चाहिए, अर्निंग आज की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज की बेसिस पर इन्वेस्टर आपको नहीं खरीद रहा, इन्वेस्टर तो खरीदते वक्त ये देख रहा है आप उसे फ्यूचर में कितना रिटर्न देंगे। तो फोरकास्टेड अर्निंग होनी चाहिए और इंडस्ट्री का या कॉम्पिटिटर का पीई होना चाहिए जिसकी बेसिस पर आप किसी भी कंपनी को यूजिंग पीई मेथड वैल्यू कर सकते हैं। अब इस पर आप लिमिटेशन पर बात कर सकते हैं कि अर्निंग फोरकास्टेड निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो अर्निंग जो है वो हिस्टोरिकल एवरेज निकाल लिया जाए, ये डिबेटेबल इशू है, हिस्टोरिकल एवरेज अर्निंग निकाल ली जाए, अर्निंग वोलेटाइल नहीं होनी चाहिए, सो एंड सो ऑन, पी कैसे निकालेंगे, सही है। तो पब्लिक के लिए तो पी का मसला नहीं होता, लेकिन अगर मुझे किसी प्राइवेट कंपनी को वैल्यू करना है पी मेथड के थ्रू, तो उसकी अर्निंग्स तो आ जाएंगी मेरे पास, पी कहाँ से लाऊंगा, तो उसकी पी मैं क्या करूँगा, मार्केट से सिमिलर साइज्ड पब्लिक कंपनी उठाऊंगा और उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक चैनल है हम टीवी, हम टीवी इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, तो उसकी पीई भी अवेलेबल होगी। और एक ए आर वाई टीवी जो कि उससे बड़ा ही लगता है हर चीज के अंदर, ए आर वाई टीवी इज अ प्राइवेट कंपनी। अब फॉर एग्जांपल ए आर वाई वालों ने बोला यार हम अपने आप को बेच रहे हैं, पी से वैल्यूएशन करके बताओ हमारी वर्थ कितनी है, तो आप कहेंगे ठीक है दो मिनट अभी निकाल देते हैं, वैल्यूएशन इज इक्वल टू अर्निंग्स बताओ अपनी, उन्होंने अपनी आज की अर्निंग्स बता दी, पिछली की अर्निंग्स बता दी, फोरकास्टेड अर्निंग्स बता दी, आपने कहा पी स्टॉक मार्केट में तो हो ही नहीं, तुम्हारा पी कहाँ से आएगा। तो ए आर वाई टी वी को की पी वी फाइंड आउट करने के लिए हम सिमिलर साइज कंपनी, हमने कहा ये जो ना हम टी वी ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, तो हमने हम टीवी की पीवी ले ली। लेकिन हम टीवी इज़ अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, ए आर वाई इज़ अ प्राइवेट कंपनी, अगर हम टीवी की पी मुझे मिलती है फॉर एग्जांपल 12 टाइम्स, तो मैं वो ए आर वाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे उस पीवी को एडजस्ट करना पड़ेगा और इस पीवी को प्रॉक्सी कंपनी की पीवी लेते हैं, प्रॉक्सी कंपनी का पी लेते हैं और उसको एडजस्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, क्योंकि पब्लिक कंपनी का पी ज़्यादा होता है और प्राइवेट कंपनी का पी कम होता है। एडजस्ट कैसे करेंगे ये सब्जेक्टिव है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या तो आप 50% रिडक्शन करें उसकी, या फिर आप 1/4 रिडक्शन करें, ये सब इंडस्ट्री में प्रैक्टिसेस चलती हैं, ये कोई एग्ज़ाम सॉल्यूशन नहीं है। एग्ज़ाम में अगर वो आपको देता है कि प्राइवेट कंपनी जो प्रॉक्सी कंपनी है वो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो आप उसको या तो 50% से ड्रॉप डाउन करें या 1/4 से ड्रॉप डाउन करें, 3/4 वैल्यू ले लें, वो आपके ऊपर चॉइस के डिपेंड करता है। लेकिन लिमिटेशन क्या है, प्रॉक्सी कंपनी आइडेंटिफाई करना, सिमिलर साइज कंपनी आइडेंटिफाई करना, सूटेबल अर्निंग्स निकालना, अगर ये मिल जाए सो देन इट्स ऑब्वियसली इज अ पीस ऑफ केक, वैल्यूएशन करना कोई मसला वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशन मौजूद है। अब हम उसी सवाल पे चलते हैं जो सवाल हम कर रहे थे, अगर उस सवाल पे फोकस करें तो देखें आपको नज़र आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, GWW को इज़ अ लिस्टेड कंपनी विच इज़ सीन एज अ पोटेंशियल टारगेट फॉर एक्विजिशन बाय फाइनेंशियल एनालिस्ट, कोई इसको एक्वायर करता है, द वैल्यू ऑफ द कंपनी इज देयरफॉर बीन अ मैटर ऑफ पब्लिक डिबेट इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, इसका प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका प्रॉफिट अगर आप देखें तो आपके पास तो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो है 10
10.1, तो हम या तो करंट ईयर का प्रॉफिट उठाएंगे या फिर पिछले सालों का एवरेज उठा लेंगे, एक ऑप्शन ये है हमारे पास। पी रेशो का है, द शेयर्स ऑफ द डब्ल्यू डब्ल्यू जी डब्ल्यू को हैव अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50 सेंट्स, और आज उसकी मार्केट प्राइस चल रही है 4 की। द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी इज 9%। द बिजनेस सेक्टर जी डब्ल्यू डब्ल्यू हैज एन एवरेज पी रेशो ऑफ 17 टाइम्स। इंडस्ट्री एवरेज दिया है, इंडस्ट्री एवरेज है 17 टाइम्स। अब वो कह रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो मेथड से कैलकुलेशन करो, कौन सी पी लो, बिजनेस सेक्टर की पी लो, यानी कि 17 टाइम्स वाली पी लो और अपनी अर्निंग्स डालो और इस कंपनी की वैल्यूएशन करके दो। तो अर्निंग्स कौन से लो, 10.1 भी ले सकता हूँ, या इन चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड करके एवरेज भी ले सकता हूँ। तो मैंने कहा मैं एक तरीका सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर एग्जाम में इस सवाल के अंदर, कि पी से मुझे वैल्यूएशन करनी है तो वैल्यूएशन इज इक्वल टू पीई मल्टीप्लाई बाय अर्निंग्स। तो अर्निंग्स मैंने उठा ली 10.1 मिलियन, विच इज़ करंट अर्निंग, और पी वी उठा लिया 17 टाइम्स, जो कि इंडस्ट्री का चल रहा है। तो 17 × 10.1 171.7 आई गेस, या कुछ और होगा, 177 होगा, वट एवर जो भी होगा, या आपकी वैल्यूएशन आ रही। अब नेट एसेट से जब हमने वैल्यू निकाली थी तो वो 61 पॉइंट समथिंग आ रही थी। अब कहाँ 61, कहाँ 171? इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करें, मार्केट कैप चेक करें इसका। तो सवाल में जो नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं 20 मिलियन के, और शेयर प्राइस दी हुई है 4। तो सवाल में नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए 20 मिलियन, शेयर प्राइस दी हुई है आज चल रही है 4, तो कंपनी जो है 4, 1 मिनट, लेट मी चेक, कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड, नंबर ऑफ शेयर से नहीं, इक्विटी की वैल्यू दी हुई है 20 मिलियन और पार वैल्यू है 0.5, तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं 40 मिलियन के। 40 मिलियन के नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 4 इसकी प्राइस चल रही है, 160 मिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रही है। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि आज मार्केट में अगर किसको कोई इस प्राइस के ऊपर खरीद ले जो आज चल रही है, तो 160 मिलियन पे तो आज कंपनी बंद हुई है वैल्यूएशन के ऊपर, जिसकी नेट एसेट वैल्यू 61 चल रही थी, वो तो बहुत ही अंडर रेटेड है। और जो पी रेशो मेथड है वो इंडस्ट्री की बेसिस के ऊपर हमें ये कह रहा है कि ये कंपनी 171.7 मिलियन की है। तो ये सारी वैल्यूएशन सेम नहीं हो सकती, सारी वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन के ऊपर चलती हैं, इनके सबके प्रॉज एंड कॉन्स हैं ये निकाल। अब एक स्टूडेंट पूछेंगे सर इतनी वैल्यूएशन कर क्यों रहे हैं, कोई एक सिंगल मेथड सूटेबल नहीं है? हम कहेंगे नहीं जी, कोई एक सिंगल मेथड ऑथेंटिक नहीं होता। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें रेंज पता लग जाए कि मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है और हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ताकि हम बार्गेन करें दोनों कंपनीज मिलकर और किसी एक सिंगल प्राइस के ऊपर इस कंपनी को या तो खरीद लें या इस कंपनी को हम बेच दें।